आज स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो चलो, ये जो है रिएक्शन मैकेनिज्म, ऑलरेडी हम बच्चों यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की बात कर चुके हैं, SN1, SN2, SNI भी मैंने करा दिया यहाँ पर, एंड SN2AR भी करा दिया, मतलब एरोमेटिक्स पे। तो आज जो बच्चों हम करने वाले हैं SN2TH, ये होता है मतलब असेंशियली जो आपके टेट्राहेड्रल सबस्ट्रेट है बच्चों, उसके ऊपर, ठीक है। टेट्राहेड्रल सबस्ट्रेट से रिलेटेड, मतलब टेट्राहेड्रल सबस्ट्रेट के टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट रिलेटेड ही हम करने वाले। तो यार इसके अंदर तुम्हें जो है ऐसी रिएक्शंस देखने को मिलेंगी जो तुम्हारे आगे जब तुम ये करोगे कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स, उससे रिलेटेड काम आएगी। तो यहां पर जो कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स होते हैं उसमें एक टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बनता है रिएक्शन के अंदर, इसलिए यहां पर SN2TH नाम पड़ा है। और बच्चों ये जो रिएक्शन से आगे जब तुम करोगे, है ना, एसिड डेरिवेटिव्स के अंदर ये तुम्हारे पास मेनली काम आएंगी। और अगर ये रिएक्शन तुम्हें आज ही पता लग गई तो फिर यार वहां पर तो जाके बस तुम्हें वहां पर रिवीजन करना पड़ेगा कि यार ये भी रिएक्शन थी जो हमने पहले ही पढ़ ली है। तो आगे जाके एसिड डेरिवेटिव्स में तुम यार सिर्फ रिवीजन कर दोगे। तो देखो, मैकेनिज्म के थ्रू समझने में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा मजा भी आता है, सबसे ज्यादा आनंद भी आता है और सबसे आसानी से समझ में आ जाती है। चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों। अगर मेरे बारे में नहीं पता, पहली बार यहां पर आ रहे हो, जल्दी से बता देता हूं, माईसेल्फ अनुपम गुप्ता एंड आई एम बीटेक एंड एमटेक फ्रॉम आईआईटी दिल्ली। और बच्चों आप जैसे स्टूडेंट्स को मेंटर करते हुए इट्स माय 10 इयर्स एक्सपीरियंस जिसको मैं यहां पर जो है आपको दिखाने की कोशिश करता हूं, उसके थ्रू बेस्ट पॉसिबल लेक्चर्स आपके यहां पर बना रहे हैं बच्चों। और ये जो एजुकेशन रेवोल्यूशन है, ठीक है, ये जो एजुकेशन रेवोल्यूशन है जो कि अनअकैडमी जेई पे आपके इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स रन कर रहे हैं आपके लिए, ये एजुकेशन रेवोल्यूशन को जरूर शेयर करिए बच्चों अपने बाकी फ्रेंड्स के साथ, अपने सर्कल में जिससे हो सकता है जरूर शेयर करिए। बिकॉज यार पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, ठीक है। तो जितने ज्यादा लोगों के साथ आप ये वाला शेयर करोगे बच्चों, उतना ज्यादा बच्चे जो है उतना ज्यादा बच्चों को अच्छी क्वालिटी एजुकेशन मिल पाएगी, विच इज वेरी मच लैकिंग इन इंडिया, स्पेशली वेरी मच लैकिंग इन केमिस्ट्री, ठीक है, केमिस्ट्री के अंदर तो बिल्कुल नहीं मिल पाता। तो चलो बच्चों, ये जो है उसको जरूर जल्दी से अभी शेयर कर दो। साथ में बच्चों एक चीज बता देता हूं, ये आपका जो है livedaily.me/j, ये एक URL है, URL मतलब इसको जब ब्राउजर में डालोगे ना, जैसे गूगल क्रोम मतलब उसके अंदर टाइप करोगे, एंटर मारोगे, तो देखो तुम्हारे पास इस तरह का पेज खुल के आता है। यार ये जो पेज है तुम्हारा एक जादू का पिटारा है, ठीक है, जो भी जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए एक जादू का पिटारा है, मतलब दिस मैजिकल बॉक्स। इस पेज के ऊपर आपके सारे के सारे कंसेप्ट हमने वीडियो लेक्चर के फॉर्म में कर रखे हैं, वीडियो बुक के फॉर्म में कर रखे हैं। दीज आर दी बेस्ट लेक्चर्स, बेस्ट लेक्चर्स, बेस्ट विजुअलाइजेशन लेक्चर्स, आप जैसे भी देखना चाहो, विजुअलाइजेशन के फॉर्म में, कंसेप्ट के फॉर्म में, इनकी थोरोनेस के फॉर्म में, दीज आर द बेस्ट लेक्चर्स इन इंडिया। तो इनका बिल्कुल जरूर फायदा उठाना बच्चों। ये जो फायदा है आप दोनों तरीके से उठा सकते हो, आप अपना कोर्स है पहली बार करना चाहते हो तो भी इन लेक्चर्स का यूज कर सकते हो, या बच्चों अगर आप रिविजन करना चाहते हो तो क्या कर सकते हो, नोट्स का यूज कर सकते हो, जो नोट्स हमने यहाँ पर डेवलप किए हैं, है ना, ड्यूरिंग द लेक्चर्स, तो उनसे भी आपका जो है बच्चों बहुत अच्छा रिविजन हो सकता है। काफी सारे क्वेश्चन जो हमारे बच्चों जेईई मेंस के अंदर इस बार भी आए हैं, ऑलमोस्ट 80-85% तो यहीं से आए हैं। और ऑन टॉप ऑफ दैट बच्चों, ये जो अनअकैडमी जेईई का रेवोल्यूशन है उसके साथ अनअकैडमी आपको अपना रैंक बूस्ट करने के लिए, अपना रैंक जो है वो टॉप 10,000 के अंदर लाने के लिए एक यहां पर चांस दे रही है बाय दी अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन। तो बच्चों आप जो है अब सीरियस तो आई थिंक हो ही चुके होंगे कि आप सीरियसली जो है जेईई की प्रिपरेशन करना चाहते हो। और सीरियसली जेईई का प्रिपरेशन का मतलब क्या है बच्चों, सीरियसली जेईई की प्रिपरेशन का ये मतलब नहीं है कि बस मुझे पास करना है, यहां पर पासिंग मार्क्स नाम से कुछ नहीं होता, यहां पर अल्टीमेटली होता है रैंक। आपको रैंक लेके आना है तो ही आप सीरियस हो, आप रैंक के लिए सीरियस हो तो ही आप जेईई प्रिपरेशन के लिए सीरियस हो। एंड व्हाट डज रैंक मीन बच्चों, रैंक का क्या मतलब है, रैंक का मतलब है बच्चों कि आपको टॉप 10,000, ठीक है, टॉप 20,000 या फिर जो है अगर टॉप 1,000 के अंदर रैंक लेके आना, ये रैंक के मतलब होते हैं। अगर बहुत अच्छा रैंक लाना है मतलब टॉप 1,000, अगर जो है आपको रैंक ही लेके आना है तो कम से कम टॉप 20,000-25,000 के अंदर तो आना ही पड़ेगा। ये रैंक ही अल्टीमेट आपकी चीज है, आपको सिर्फ पासिंग मार्क्स यहाँ पर नहीं चाहिए, ध्यान से सुन लो। और ये रैंक जो है बच्चों अल्टीमेटली कैसे बूस्ट होता है, जब आप अपने सारे के सारे कंसेप्ट इंडिया के टॉप टीचर्स से पढ़ पाओगे, आप अपने जो है कंसेप्ट की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर पाओगे, आप अपने कंसेप्ट के बेसिस पे बच्चों क्विज दे पाओगे, टेस्ट सीरीज दे पाओगे और अपने जितने भी डाउट्स है बच्चों वो क्लियर कर पाओगे, ये अगर करोगे तो रैंक जो है ऑब्वियसली अश्योर्ड हो जाएगा, ठीक है। अब इंडिया के टॉप टीचर्स कहाँ पढ़ा रहे, इंडिया के टॉप टीचर्स अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे पढ़ा रहे। तो अनअकैडमी प्लेटफॉर्म मतलब अनअकैडमी.com या अनअकैडमी की लर्निंग ऐप है बच्चों, जहां पर इंडिया के टॉप टीचर्स, आपकी जो अनअकैडमी जेईई की टीम है वो, साथ में बहुत सारे कोटा की फैकल्टीज बच्चों ये पढ़ा रहे हैं, ऐसी कोटा की फैकल्टीज जिससे पढ़ने के लिए 3-4 लाख स्टूडेंट्स कोटा जाया करते थे हर साल,
ऐसी कोटा की फैकल्टीज जो वहां पर डायरेक्टर्स हैं 10-20 साल से वहां पर पढ़ा रही हैं, ठीक है, तो उन फैकल्टी से पढ़ने का मौका आपको अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे मिलता है, वो भी घर बैठे बैठे, ठीक है, घर बैठे बैठे मिलता है। साथ में बच्चों देखो इंडिया के टॉप ऑथर्स जैसे डीसी पांडे सर है ना, इनकी बुक तो यार सबने सुनी होगी, विशाल जोशी सर इनकी बुक जो है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की वो यूज करते हैं बच्चे, इनसे पढ़ने का आपको मौका मिल रहा है। और ध्यान रखना आप यहाँ पर जितने भी टीचर्स हैं, देर आर 100+ टीचर्स ऑफ IIT जे हियर ऑन दी अनअकैडमी प्लेटफॉर्म, आप इन सबसे पढ़ सकते हो, आप पे कोई भी रोक टोक यहाँ पर नहीं लगाई जाएगी, आप सबसे पढ़ सकते हो। और ये जो पढ़ाई है 50+ बैचेस के फॉर्म में बचाई बच्चों कराई जा रही है, बैचेस मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तीनों सब्जेक्ट के मिला के जितने भी टीचर्स उन्होंने एक बैच बना रखा है, तो ऐसे 50+ बैचेस है, आप किसी में भी ज्वाइन कर सकते हो, मल्टीपल बैचेस में भी ज्वाइन कर सकते हो, यू हैव एब्सोल्यूट फ्रीडम बच्चों, आप कितने भी बैचेस यहाँ ज्वाइन करके अनलिमिटेड लाइव क्लासेस को अटेंड कर सकते हो। यार इससे बढ़िया और क्या मिलेगा, है ना, इससे बढ़िया और इससे मतलब मस्त तरीके से रैंक लाने का तरीका तुम्हें और कहाँ मिलेगा यार, घर बैठे बैठे सारी प्रिपरेशन हो रही है, कहीं आना जाना नहीं है, ट्रैवलिंग की कोई कॉस्ट नहीं है, कोई तुम्हें ट्रैवल नहीं करना, घर बैठे बैठे सब कुछ है, बेस्ट टीचर्स मिल रहे हैं। तो बच्चों इतनी अच्छी फैसिलिटीज का जो आपको कॉस्ट है एक साल का अगर आप देखोगे बच्चों, सब्सक्रिप्शन ये पेड सब्सक्रिप्शन है, ये 32,000 पर मंथ का पड़ता है बच्चों, और दो साल का 2,300 का आपके पास पड़ता है। ध्यान रखना अनअकैडमी जे जो यूट्यूब चैनल है वो कोई कम नहीं है, है ना, वहां पर भी हमने बेस्ट क्वालिटी लेक्चर्स डाल रखे हैं। बट बच्चों अगर आप चाहते हो कि यार अपने फेस टू फेस इंटरेक्शन के साथ अपने फेवरेट एजुकेटर्स के साथ पढ़ सको और उनसे जो है इंटरेक्ट कर सको, ठीक है, डाउट क्लियरिंग सेशंस उनके साथ ले सको, उनसे फेस टाइम जो है वो शेयर कर सको, बिकॉज जितना ज्यादा फेस टाइम बच्चों आप शेयर करते हो अपने टीचर्स के साथ उतना ज्यादा वो आपके कंसेप्ट स्ट्रांग बना पाते, ठीक है, तो ये अगर आपको चाहिए बच्चों तो आप अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, ठीक है। और बच्चों इफ यू लव माय लेक्चर्स हियर, है ना, इफ यू लव माय लेक्चर्स एंड इफ यू आर फॉलिंग इन लव विद द केमिस्ट्री सब्जेक्ट एज वेल एज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो भी चल रहा है ना, इफ यू आर फॉलिंग इन लव विद दैट, मतलब मेरा जो है टारगेट पूरा हो गया, और मेरा जो टारगेट है अगर पूरा हो गया तो बच्चों इसके लिए आप अनुपम लाइव कोड को यूज करके मुझे जरूर प्राउड फील कराना व्हेन टेकिंग द अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन, मतलब असेंशियली आप अनुपम लाइव कोड बच्चों जितना यूज करोगे व्हाइल टेकिंग द सब्सक्रिप्शन उतना मुझे पता लगता है कि यार मैं जो है स्टूडेंट्स के यहाँ पर हेल्प कर पा रहा हूँ, उनके लिए सब्जेक्ट एंजॉयबल बना पा रहा हूँ, और वो बहुत अच्छी फीलिंग होती है किसी भी टीचर के लिए। तो अनुपम लाइव कोड अगर आप याद रखोगे यूज करोगे मुझे पता लगेगा कितने स्टूडेंट जो है लाइक कर रहे हैं लेक्चर्स को, और उसके साथ अनुपम लाइव कोड यूज करने पर बच्चों आपको मिलता है यहाँ पर मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट, जिसके बाद देखो आपके पास टोटल कॉस्ट बच्चों अभी निकल के जो आ रही है एक साल की 34,650 और दो साल की 50,400, ये आपके पास कॉस्ट है दो साल के एक साल की फॉर कंप्लीट एवरीथिंग, सब कुछ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ सब कुछ कवर हो रहा है इसके अंदर, टॉप टीचर्स के साथ कवर हो रहा है, मल्टीपल टीचर्स के साथ कवर हो रहा है, मल्टीपल टीचर्स के नोट्स आपको मिल रहे हैं। तो बच्चों ये आपकी कॉस्ट है, बहुत नॉर्मल से कॉस्ट है ना, और बच्चों ये वाली जो कॉस्ट है आप मंथली इंस्टॉलमेंट के फॉर्म में दे सकते हो, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। साथ में बच्चों एक और चीज देख लो, हम फ्री क्लासेस जैसे YouTube पे दे रहे हैं आपके प्रिपरेशन के लिए, वैसी ही फ्री क्लासेस आपको हम अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे भी दे रहे हैं, मतलब अनअकैडमी.com या अनअकैडमी लर्निंग ऐप, ये प्लेटफॉर्म जो है, ये जो स्पेशल क्लासेस है बच्चों एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं। मेरी जैसे पुरानी क्लासेस मैंने जो ली रखी है जिनको आप जाके अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे रिकॉर्डेड फॉर्म में देख सकते हो, वो मैंने हाइड्रोकार्बन से रिलेटेड दे रखी है। आज रात को भी 10 बजे मैं लेने वाला हूँ एक क्लास हाइड्रोकार्बन के ऊपर। साथ में बच्चों ये देखो पुरानी क्लासेस जैसे क्लियर योर डाउट्स ऑन जेई प्रिपरेशन, ये जो एक जनरल क्लास है आपके डाउट्स क्लियर करने के लिए, कौन सी बुक्स यूज करनी है, कैसे करना है, ठीक है, तैयारी। साथ में बच्चों प्रैक्टिस सेशन, ये सारे ऑलरेडी पड़े हुए हैं, और आपके जो नए आने वाले क्लासेस को बच्चों अगर आप अटेंड करना चाहते हो आपको क्या करना है, अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे जाओ, वहां पर सर्च करो, है ना, सर्च का ऑप्शन होता है अनुपम गुप्ता, तो मेरी प्रोफाइल जो है आपको वहां पर अनुपम गुप्ता नाम से दिखने लग जाएगी, उसको फॉलो कर लेना। उसको जब आप फॉलो करोगे तो यार आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएंगे कि अब मेरी स्पेशल क्लासेस जो है नेक्स्ट कब आने वाली है, ठीक है। तो पुरानी क्लासेस भी बच्चों आप अटेंड कर सकते हो, और आगे आने वाली लेक्चर जो हमारे क्लासेस हैं उसके लिए आप नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिल जाएगा, तो आप वो भी अटेंड कर पाओगे। तो ये भी बच्चों हम एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट वहां पर दे देंगे। चलिए बच्चों रिएक्शन मैकेनिज्म लेक्चर 7 SN2TH, और इससे पहले थोड़ा सा मोटिवेशन, ठीक है, क्योंकि मोटिवेशन जो है लाइफ में मिलता रहता है रोज रोज, तो यार जी जेई की जो गाड़ी है वो धीरे धीरे धक्का खा के आगे बढ़ती रहती है। मुझे भी पता है यार, मैंने प्रिपरेशन करी है ना, है ना, मैंने भी क्लियर करा है, मुझे पता है यार 2 साल यार कैसे जो है धीरे धीरे एक एक दिन करके निकलता है, तो सर्टेनली इसके लिए जो है रोज मोटिवेशन मिल जाए तो बहुत अच्छा लगता है लाइफ के अंदर। और सिंपल सी बात है यार, आज का मोटिवेशन यही है, वर्क हार्ड इन साइलेंस लेट सक्सेस मेक द नॉइस। आज का जो है रिजल्ट जो आया है वो सर्टेनली काफी नॉइस मचा रहा होगा काफी स्टूडेंट्स के लिए,
जो आज बहुत बढ़िया रैंक लेके आए हैं। मैंने देखा है काफी सारे स्टूडेंट्स 100 परसेंटाइल लेके आए हैं, काफी सारे अनअकैडमी जेई के स्टूडेंट्स जो हैं वो भी मैसेज कर रहे हैं कि दे हैव गॉट वेरी गुड रैंक, वेरी गुड परसेंटाइल्स बिकॉज ऑफ द अनअकैडमी जेई। तो बच्चों यार ये जो है अल्टीमेटली आपका रैंक जो है वही अल्टीमेट चीज आपके पास होती है दिखाने के लिए। बाकी तो बहुत सारे स्टूडेंट्स बोल देते हैं सर मैंने ऐसी तैयारी करी थी, मैंने वैसे तैयारी करी थी, आपके फ्रेंड्स बोल रहे होंगे मैंने 2 बुक कर दी, मैंने 3 बुक कर दी। बात अल्टीमेटली यही आती है रैंक कितना आया, और रैंक अल्टीमेटली बच्चों आपका जो है वही डिसाइड करेगा कि आप जो है फ्यूचर के लिए कितना बढ़िया कॉलेज जो है वो ले पाओगे। तो अल्टीमेटली बच्चों आज मेहनत करने की जरूरत है, अल्टीमेटली जब रैंक आएगा वही आपको हेल्प करेगा आगे जाके, और वही आपके पास अल्टीमेट आपका प्रूफ होगा आपकी मेहनत का, है ना, वो प्रूफ होता है मेहनत का या रैंक कितना है। वर्क हार्ड इन साइलेंस बच्चों, बिल्कुल आप मेहनत करते रहिए, आपको जो है उसका रिजल्ट जरूर मिलेगा, इसकी बिल्कुल चिंता मत करिए, आपका रिजल्ट जरूर आपके हाथ में रहेगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं बच्चों जनरल टर्म्स ऑफ रिएक्शन। देखिए ये मैं ऑलरेडी आपको करा चुका हूं, ये सब रिवीजन वाली बात है कि बच्चों सब्सट्रेट होता है उस पर रिएजेंट आके लगता है तो आपका प्रोडक्ट बनता है, ये हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर एक बेसिक दे चुके हैं। फिर हम और क्या देख चुके हैं, हम ये भी देख चुके हैं कि बच्चों जो रिएक्शन होते हैं 3 टाइप की मेनली आपके पास रिएक्शन देखी जाती है, एडिशन, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन। इसके अंदर बच्चों जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है उसके बारे में मेनली मैंने मैकेनिज्म जो है ऑलरेडी डिस्कस कर दिए हैं और आज भी मैं करने वाला हूं। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, क्या सब्स्टिट्यूशन, एक ग्रुप हटके दूसरा ग्रुप लगना कार्बन के ऊपर, ये सब्स्टिट्यूशन है। इन सब्स्टिट्यूशंस के बारे में बच्चों मैं आपको बता चुका हूं कि इनके अंदर अलग अलग मैकेनिज्म हमें देखने को मिलते हैं, SN1 मैकेनिज्म, SN2 मैकेनिज्म, SNI मैकेनिज्म, SN2AR मैकेनिज्म। ये बच्चों मैं ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस के अंदर कवर कर चुका हूं। आज जो हम करने वाले हैं बच्चों वो SN2TH करने वाले हैं। ठीक है, ये जो मैकेनिज्म है आज हम डिस्कस करने वाले हैं, तो लेट्स स्टार्ट विद दिस। तो बच्चों SN2TH essentially mechanism क्या होता है, SN2TH mechanism का ये मतलब होता है कि आपके पास एक acyl group है उस पे substitution हो रहा है। acyl group, what is acyl group, ध्यान से सुनो, acyl group मतलब बच्चों RC double bond O group कहीं पर होगा, वो बच्चों होता है आपके पास acyl group। ठीक है, RC double bond O, obviously यहां पर कुछ और भी होगा because carbon के 4 bond तो बनाने हैं। Now, बच्चों इंपॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर इज यहां पर जब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की हम बात कर रहे हैं तो हम बोल सकते हैं कि सपोज यहां पर कोई L लीविंग ग्रुप है और यहां पर कुछ न्यूक्लियोफाइल है ना, बिकॉज सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करा रहे हैं, न्यूक्लियोफाइल के अटैक करना चाहिए, इससे बच्चों आर सी डबल बॉन्ड ओ एन यू अगर बन रहा है तो देखिए मैंने यहां पर क्या करा दिया, मैंने बच्चों ये जो एसाइल ग्रुप पे लगा हुआ एल था मतलब लीविंग ग्रुप था, लीविंग ग्रुप को हटा दिया और यहां पर न्यूक्लियोफाइल जो है ऐड कर दिया, न्यूक्लियोफाइल लगा दिया, तो ओवरऑल रिएक्शन बच्चों क्या हुई यहां पर, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गई। बात समझ में आ रही है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गई, और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर हो क्या रहा है, एल इज बींग सब्स्टिट्यूटेड बाय, एल इज बींग सब्स्टिट्यूटेड बाय, किससे सब्स्टिट्यूट हो रहा है बच्चों, इट इज बींग सब्स्टिट्यूटेड बाय वॉट, इट इज बींग सब्स्टिट्यूटेड बाय इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल। इनकमिंग होता है ना, जैसे इनकमिंग कॉल होती है तो अपना न्यूक्लियोफाइल इनकमिंग है, तो इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल जो है वो सब्स्टिट्यूट कर रहा है लिविंग ग्रुप पे। सो दैट्स हाउ दिस रिएक्शन इज हैपनिंग, एसाइल SN2 रिएक्शन। अब जो यहां पर बीच में एक और बच्चों चीज आ जाती है, टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट। आपको सबको पता हो गया इंटरमीडिएट क्या होता है, पता है ना, नहीं पता है, एक रिएक्शन हो रही है, रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट है, बीच में अगर कोई चीज बनती है, बीच में अगर कोई चीज बनती है जो कि अनस्टेबल है और हाईली रिएक्टिव है वो इंटरमीडिएट कहलाती है ना। हम बोलते हैं कि यार जो रिएक्शंस हैं बच्चों वो मल्टीपल स्टेप्स में प्रोसीड हो सकती हैं। मल्टीपल स्टेप्स का ये मतलब होता है कि रिएक्टेंट आपका बच्चों कन्वर्ट होता है किसके अंदर, आपका रिएक्टेंट कन्वर्ट होता है इंटरमीडिएट के अंदर और इंटरमीडिएट बच्चों कन्वर्ट होता है प्रोडक्ट के अंदर। दैट्स हाउ रिएक्शन हैपेंस। अब जब ये रिएक्शन हो रही है हमारे पास, इसके अंदर इंटरमीडिएट जो बन रहा है बच्चों अगर टेट्राहेड्रल बन रहा है, इसका मतलब हमारे पास जैसे हम बोलते हैं ना sp3 हाइब्रिड कार्बन, sp3 हाइब्रिड कार्बन का 4 bonds बने हुए हैं और ये जो 4 bonds हैं ये किस फॉर्म में अरेंज्ड हैं, ये टेट्राहेड्रल फॉर्म में अरेंज्ड है हमारे पास। sp3 हाइब्रिड पे कैसा होता है, टेट्राहेड्रल फॉर्म होता है ना, अगर वो टेट्राहेड्रल फॉर्म में अरेंज्ड है तो हम बोलते हैं यहां पर SN2TH टाइप का मैकेनिज्म हो रहा है। और आप बच्चों देखोगे ये मैकेनिज्म आपको कहां पर हेल्प करेगा, आगे जाके जब आप कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स है ना या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड इनकी रिएक्शंस पढ़ोगे ना आगे जाके, तो आप पढ़ोगे यार यही मैकेनिज्म तो हो रहा था, ये तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ये सारी रिएक्शंस तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब यहां पर जो बच्चों रिएक्शंस कराओगे और आज जो मैं रिएक्शंस कराने वाला हूं इसके अंदर बच्चों मैं मेंस का भी क्वेश्चन लेने वाला हूं इस मैकेनिज्म के ऊपर, और मैं एडवांस का भी क्वेश्चन लेने वाला हूं, और वो एडवांस का क्वेश्चन आप देखोगे वो आगे नॉर्मली अगर आप पढ़ोगे तो वो अमीन चैप्टर के अंदर आता है, यहां पर मैं आपको पहले ही करा के रख दूंगा। अब जब आप आगे जाके चैप्टर पढ़ोगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तो आपको लगेगा ये तो मेरा रिवीजन हो रहा है, ये तो मैं ऑलरेडी पढ़ चुका हूं ये सारी रिएक्शंस।
लेट्स स्टार्ट विद दिस एसिड एंड एसिड डेरिवेटिव्स. बच्चों यार एसिड, ठीक है एसिड यहाँ पर है, ये एसिड और इसका एसिड डेरिवेटिव. अच्छा एसिड डेरिवेटिव, जिसको वर्ड नहीं समझ में आ रहा है सर एसिड डेरिवेटिव आप क्या बोल रहे हो, तो बच्चों एसिड डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, ये हमारे पास एसिड डेरिवेटिव्स. तो अंडरस्टैंड ये बच्चों हमारे पास क्या है एसिड डेरिवेटिव. एसिड डेरिवेटिव, डेरिवेटिव मतलब डिराइव किया हुआ. बच्चों डेरिवेटिव का क्या मतलब है, इसका मतलब है डिराइव करा हुआ. डिराइव, डिराइव मतलब किसी चीज से बनाया हुआ, इस चीज से बना हुआ. तो हम बोलते हैं यार एसिड है हमारे पास, इंपॉर्टेंट ही कौन सा, कार्बोक्सिलिक एसिड. कार्बोक्सिलिक एसिड में बच्चों अगर हम ये वाला OH हटा के बाकी ग्रुप्स जो हैं ये लगा दें, कौन से वाले ग्रुप, देखो मैं रेड में मार्क कर रहा हूं, तो हम बोलेंगे कि यार वहां पर एसिड डेरिवेटिव्स हमारे पास बन रहे हैं. जैसे कि बच्चों अगर OH हटा के हम यहां पर RCOCl बोल दें, तो बच्चों ये हमारे पास क्या है, ये एक एसिड क्लोराइड है. ये क्या है, एक एसिड क्लोराइड है, ठीक है. या फिर हम इसको एसाइल हैलाइड भी बोलते हैं, या फिर हम इसको एसाइल क्लोराइड भी बोलते हैं. ध्यान रखना एसाइल क्या, एसाइल किसको रिप्रेजेंट करता है, एसाइल रिप्रेजेंट करता है RC डबल बॉन्डों को, ठीक है. तो ये हमारे पास एसाइल क्लोराइड है. या फिर बच्चों अगर हम OH को हटा के, OH को हटा के ये यहां पर एक एनहाइड्राइड ग्रुप टाइप बना दें, है ना, ये देखो ये वाला पूरा ग्रुप लगा दें, तो ये हमारा क्या कहलाता है बच्चों, एसिड एनहाइड्राइड कहलाता है, ठीक है. तो बिल्कुल बच्चों आप ध्यान से लिखते जाइए अपने नोटबुक में, इसको समझते जाइए क्यों हम इनको एसिड डेरिवेटिव्स बोल रहे हैं. सिमिलरली बच्चों अगर OH हटके हमारे पास OR डैश जो है वो लग रहा है, तो हम बोल रहे हैं यार ये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास एस्टर ग्रुप बन रहा है. ये क्या बन रहा है हमारे पास, एस्टर ग्रुप बन रहा है. एंड RC डबल बॉन्ड ओ NH2, ठीक है, ये बच्चों हमारे पास अमाइड ग्रुप कहलाता है. तो बच्चों इंपॉर्टेंट बात ये होती है, इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि ये सारे के सारे एसिड डेरिवेटिव जो होते हैं ना, ये सारे के सारे एसिड डेरिवेटिव इनको बहुत आराम से आप वापस से एसिड में कन्वर्ट कर सकते हो. यहां पर एसिड डेरिवेटिव क्यों बोला जा रहा है, बिकॉज इनको बहुत आराम से बच्चों एसिड के अंदर कन्वर्ट किया जा सकता है. और वो रिएक्शन क्या होती है, इन सारे ग्रुप्स को बच्चों एसिड में कन्वर्ट किया जा सकता है यूजिंग हाइड्रोलिसिस रिएक्शन. यूजिंग व्हाट, हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन, मतलब पानी से रिएक्ट कराना इन प्रेजेंस ऑफ द कैटलिस्ट H+. अगर आप इन चारों ग्रुप पे बच्चों हाइड्रोलिसिस कराते हो, पानी से रिएक्शन कराते हो एसिड के प्रेजेंस में, आपके पास एसिड यहां पर बन जाता है. इसलिए भी इसको एसिड डेरिवेटिव बोला जाता है. बट ये रिएक्शन हम बच्चों आगे जाके पढ़ेंगे, इसमें आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ये हम आगे जाके और पढ़ेंगे. अभी आपको बस इतना समझना जरूरी है व्हाट आर डेरिवेटिव. तो बच्चों ये हमारे पास डेरिवेटिव. अच्छा सर और भी क्या कोई हमारे पास ऐसे होते हैं एसिड से या फिर एसिड से डेरिवेटिव जो कि इस तरह की रिएक्शन दिखाते हैं? तो बच्चों जो हमारे पास सल्फोनिक एसिड के डेरिवेटिव्स होते हैं, सल्फोनिक एसिड हमारे पास क्या होता है, एसेंशियली एच डबल बॉन्डो, एच डबल बॉन्डो, ओ पे एक एच लगा हुआ है. इस तरीके से यहां पर हम बोल रहे हैं कि यार ये एसिटिक हाइड्रोजन जो है वो सल्फोनिक ग्रुप का पार्ट है ना, SO3 वाला. तो यार ये जो है बच्चों ये भी हमारे पास इस तरीके के एसिड और एसिड डेरिवेटिव सल्फोनिक एसिड के होते हैं, वो भी ये रिएक्शन शो कर सकते हैं. बट इसका हमारे पास इतना काम नहीं होता है, ये आपके कोर्स में इतना ज्यादा है नहीं. आपके कोर्स में यहां पर मेनली कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव. और बच्चों यहां पर एक और हमारे पास इस तरीके से RCOCX3 होता है, ये भी मैं आगे आपको दिखाऊंगा रिएक्शंस के अंदर. ये भी बिल्कुल सेम ही तरह की रिएक्शन करेगा आपके एसिड डेरिवेटिव जैसी, है ना, जैसा आपका एसिड डेरिवेटिव था ना वैसे ही रिएक्शन करेगा ये वाला ग्रुप भी, मतलब RCOCX3. आगे जाके हम इसको पढ़ते हैं, इसको बिल्कुल ध्यान से सुनते जाओ. तो सर यहां पर रिएक्शन क्या हो रही है आप सबसे पहले ये बता दो. तो सर यहां पर रिएक्शन जो हो रही है सबसे पहले वो ये है, ध्यान से सुनो, कि हमारे पास एक RC डबल बॉन्ड OL, इसका मतलब एक एसिड डेरिवेटिव या एसिड है, एसिड या एसिड डेरिवेटिव है, उस पर बच्चों अगर न्यूक्लियोफाइल आ रहा है तो ये न्यूक्लियोफाइल यहां पर कहां जाएगा, क्यों जाएगा, कैसे रिएक्शन करेगा, यही असेंशियली मैकेनिज्म को समझने की इंपॉर्टेंस है. ये न्यूक्लियोफाइल अगर एसिड डेरिवेटिव्स के पास जा रहा है तो कहां जाएगा, क्यों जाएगा, कैसे वहां पर नया बॉन्ड बनाएगा, वही अल्टीमेटली मैकेनिज्म को समझने की इंपॉर्टेंस होती है. और ऑर्गेनिक और रिएक्शन के मैकेनिज्म को समझने का बच्चों मैंने आपको फंडा बता रखा है, एक ही मेन फंडा होता है यार ऑर्गेनिक की रिएक्शन को समझने का, क्या, लव, ठीक है, लव बिटवीन वॉट, लव बिटवीन द नेगेटिव चार्जेस एंड द पॉजिटिव चार्जेस. जहां पर बच्चों नेगेटिव चार्जेस होती हैं वो ढूंढते हुए, है ना, अपने प्यार के पास पहुंच जाते हैं जो कि होते हैं पॉजिटिव चार्जेस, और वहां पर बॉन्ड बनाने की कोशिश करते हैं, राइट. जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज जो है वो अनस्टेबल होता है बच्चों उतना ज्यादा बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी होती है. ध्यान से देखो इसको. तो बच्चों यहां पर हम क्या बोल रहे हैं कि ये नेगेटिव चार्ज है
है ना, सपोज यहां पर कोई नेगेटिव चार्ज है या सिर्फ यहां पर एक लोन पेयर है, लोन पेयर मतलब एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, या तो हम बोल रहे हैं नेगेटिव चार्ज या एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बोल रहे हैं। ये कहां पर अटैक करना पसंद करते हैं, ये पॉजिटिव चार्जेस पर अटैक करना पसंद करते हैं। अब पॉजिटिव चार्ज सर यहां पर कहां पर है, बच्चों ध्यान से देखो, बिल्कुल ध्यान से देखो, जब कार्बोनाइल कार्बन की हम बात करते हैं बच्चों, कार्बोनाइल कार्बन की, तो कार्बोनाइल कार्बन जो होते हैं बच्चों हमारे पास, कार्बोनाइल कार्बन उनके अंदर ऑक्सीजन जो होता है वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ये हमको पता है, इट्स अ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग एलिमेंट, ऑक्सीजन काफी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग एलिमेंट होता है। तो बच्चों सी डबल बॉन्ड है, ये मैंने अपने जब बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बताया था तब भी बताया था यार, यहां पर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोलैरिटी होती है, स्ट्रॉन्ग पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड्स, यहां पर क्या होती है, स्ट्रॉन्ग पोलैरिटी ऑफ दिस सी डबल बॉन्ड ओ बॉन्ड, ये जो होता है ना ये वाला सी डबल बॉन्ड की बहुत स्ट्रॉन्ग पोलैरिटी होती है, क्यों, बिकॉज यहां पर जो है ऑक्सीजन लगा हुआ है जो कि एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ठीक है, वो यहां पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है इन द सेंस ऑफ इट्स माइनस आई इफेक्ट, और क्या क्रिएट करता है बच्चों, हमारा जो है डेल प्लस क्रिएट करता है। बिल्कुल आपको समझ में आ रहा है कि अब रिएक्शंस क्यों प्रोसीड होगी, कैसे प्रोसीड होगी, आपको यहां पर जो है प्यार दिखता जा रहा है, किसके बीच में प्यार होगा, आपका प्यार होगा यहां पर एक्सेस इलेक्ट्रॉन जो पड़े हुए हैं और यहां पर जो डेल प्लस पड़ा हुआ है बच्चों, उसके बीच का जो प्यार है अल्टीमेटली हम उसी की बात कर रहे हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन है बच्चों वो खींचे चले जाते हैं इस पॉजिटिव चार्ज के पास और आपकी रिएक्टिविटी देते हैं, और बच्चों आप देखोगे जब आप एसिड या एसिड डेरिवेटिव से रिलेटेड रिएक्शंस करते हो तो अल्टीमेटली यही प्यार वाला फंडा आपका लगता है, प्यार वाला फंडा मतलब इलेक्ट्रॉन्स का जो है कार्बोनाइल कार्बन पे अटैक अल्टीमेटली यही लग रहा होता है मैक्सिमम जगह पर, मैक्सिमम जगह पर बोलो, मैक्सिमम मतलब आप रिएक्शंस का मैकेनिज्म अगर समझ गए ना यहाँ पर, आपको बिल्कुल ऑर्गेनिक जो है वो हलवा लगने लगेगा, ठीक है, जिसको आप आराम से है खा जाएंगे, आपको उसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, बिकॉज मैक्सिमम रिएक्शंस एक ही मैकेनिज्म के बेसिस पे हो रही है, तो मतलब मैक्सिमम रिएक्शंस हमें समझ ही आ गई है ना, आपको ऐसे अलग अलग रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अरे सर ये रिएक्शन रटनी है, ये रिएक्शन रटनी है, ये रिएक्शन रटनी, नहीं, मैकेनिज्म समझ लिया मैंने 10 रिएक्शंस का, एक ही मैकेनिज्म से हो रही है, क्यों हो रही है मेरे को समझ में आ गया, तो 10 रिएक्शन प्रिपेयर हो गई। इस तरीके से बच्चों आपको ऑर्गेनिक प्रिपेयर करना होता है। तो बच्चों यहां पर देखिए अब होता क्या है, अल्टीमेटली यहां पर ये जब अटैक हो रहा होता है तो उसके अंदर हम क्या बोलते हैं, अटैक होते वक्त ये जो सी डबल बॉन्ड ओ का पाई बॉन्ड होता है ना, पाई बॉन्ड जो कि वीकर बॉन्ड होता है जनरली, ये पाई बॉन्ड बच्चों निकल के वापस से ओ पे जाता है, ऐसा करना इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज कार्बन जो है मैक्सिमम मैक्सिमम कितने बॉन्ड बना सकता है, मैक्सिमम मैक्सिमम कार्बन 4 ही बॉन्ड बना सकता है, उससे ज्यादा नहीं बना सकता है ना, तो कार्बन के 4 बॉन्ड दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, जो ऑक्सीजन का पाई बॉन्ड होता है वहां पर उसको हटा के वापस से ऑक्सीजन की साइड भेज देते हैं, है ना, ताकि हमारे जो 4 बॉन्ड वाला फंडा है लुईस स्ट्रक्चर्स के अंदर वो मेंटेन रहे, वरना प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना, वरना प्रॉब्लम हो जाएगी, बिकॉज कार्बन पे 5 बॉन्ड बना देना मतलब तुम्हें जो है लुईस भैया आके थप्पड़ मार देंगे कि ये क्या कर दिया, मेरी जिंदगी की मेहनत जो है तुमने बर्बाद कर दी, तो 5 बॉन्ड बनाना ठीक है वो हमारे लिए सही नहीं, हम 4 बॉन्ड बनाएंगे, तो भाई यहां पर हमने ये करेंगे। अब ये बच्चों अगर आप ध्यान से देखोगे, बहुत ध्यान से देखो, यहां पर हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास एक ट्राइगोनल प्लानर रिएक्टेंट था, अरे जितने भी कार्बोनाइल कंपाउंड होते हैं सी डबल बॉन्डो जो होते हैं सी डबल बॉन्डो अल्टीमेटली हमारे पास क्या होते हैं, सारे के सारे सी डबल बॉन्डो बच्चों प्लानर होते हैं। अब उस पे अगर न्यूक्लियोफाइल आया है ना और वहां पर उसने एक चौथा बॉन्ड बना दिया, राइट, टोटल मिला के 4 सिग्मा बॉन्ड बना दिया, तो 4 सिग्मा बॉन्ड मतलब वहां पर क्या बन जाना चाहिए, sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन, sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन मतलब टेट्राहेड्रल कार्बन, तो यहां पर हम बच्चों बोलोगे क्या बनेगा, एक टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बनेगा, ध्यान रखो मैंने क्या बोला यहाँ पर, इसको इंटरमीडिएट, ये फाइनल प्रोडक्ट नहीं है, ये फाइनल प्रोडक्ट नहीं है, ये फाइनल प्रोडक्ट नहीं है, ये यहाँ पर इंटरमीडिएट है, ये इंटरमीडिएट ही यहाँ पर कहलाएगा, क्यों, बिकॉज जब हम इन रिएक्शंस की बात करते हैं बच्चों एसिड डेरिवेटिव एसिड से रिलेटेड रिएक्शंस की, तो वहां पर ये जो रिएक्शन है फर्दर नेक्स्ट स्टेप पे भी जाती है, कौन सा नेक्स्ट स्टेप, इसमें जो लीविंग ग्रुप यहाँ पर होता है वो निकलता है, कौन सा ग्रुप, लीविंग ग्रुप, एक एल जो मैंने दिखा रखा है ना वो लीविंग ग्रुप का काम करेगा, तो लीविंग ग्रुप बच्चों यहां पर हमारे पास निकलता है एंड अल्टीमेटली हमारे पास रिएक्शन होती है। अब ये लीविंग ग्रुप जब निकालते हैं बच्चों तो ऑब्वियसली हम यहां पर क्या करते हैं, देखो ऐसे यहां पर सिंपल से बॉन्ड नहीं तोड़ते, हम क्या देखते हैं, मैकेनिज्म दिखाते हैं कि देखो सर यहां पर एक मैकेनिज्म है, पहले आपने पाई बॉन्ड जो वहां पर निकाल के ऑक्सीजन पे डाला था, अब वो क्या करता है, वापस आता है बिकॉज सी डबल बॉन्ड ओ अपने आप में काफी ज्यादा उसकी बच्चों बॉन्ड स्ट्रेंथ होती है, पाई बॉन्ड होता है अकेला वो वीक होता है, बट ओवरऑल हमारे पास गुड बॉन्ड स्ट्रेंथ होती है, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर वापस से आता है, तो देखो ये इलेक्ट्रॉन पेयर हमारे पास वापस आया एंड व्हाट डज इट डू, ये लीविंग ग्रुप को निकाल देता है।
ठीक है, ये लीविंग ग्रुप को यहां से निकाल देता है। एंड हमारे पास बच्चों इस तरह का सी डबल बॉन्ड को वापस से बन जाता है। तो देखो ये वापस से प्लानर हो गया, वापस से हमारे पास क्या हो गया, एक प्लानर स्पीशी बन गई, है ना, वापस से हमारे पास क्या हो गया, प्लानर स्पीशी बन गई। बिल्कुल बात क्लियर हो गई है, ठीक है, ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई। तो बच्चों ये हमारे पास मैकेनिज्म होता है SN2TH का, ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। और SN2 बोला है, ध्यान रखो बायोमोलिकुलर, तो बायोमोलिकुलर बच्चों क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज अल्टीमेटली ये वाला जो इसका स्टेप होता है बच्चों, ये वाला स्टेप है ना, ये वाला स्टेप कैसे हुआ, जब आपके दो मॉलिक्यूल आके यहाँ पर टकराए, कौन सा, कार्बोनाइल मतलब एसाइल वाला, सी डबल बॉन्ड मतलब एसाइल, और न्यूक्लियोफाइल आके टकराए, तो जाके आपके पास ये रिएक्शन यहाँ पर हो रही है। तो बात बिल्कुल क्लियर हो गई। चलिए अब बच्चों यहाँ पर कौन कौन सी ऐसी कंडीशन होती है जब आपकी SN2TH मैकेनिज्म जो है वो फॉलो हो रहा है। अभी आप यहाँ पर रिएक्शन जब देखोगे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा रिएक्शन देख देख के, ठीक है। सो बच्चों हम ये बोलते हैं कि ये रिएक्शन तब होती है जब लीविंग ग्रुप है ना वो बेटर हो हमारे पास एज कंपेयर टू न्यूक्लियोफाइल। इसका मतलब है कि जो लीविंग ग्रुप है बच्चों, लीविंग ग्रुप आपका एक स्टेबल ग्रुप होना चाहिए और वो आराम से आपका निकल सकता है। तो देखिए इस रिएक्शन को मैं आपको करा के दिखाता हूं बच्चों। फॉर एग्जाम्पल लेट्स लुक एट दिस यार, आर सी डबल बॉन्ड ओ सी एल, ठीक है, इस पे बच्चों अगर ओ एच माइनस अटैक करता है तो ध्यान से देखिए क्या होता है, यहां पर इसका लोन पेयर इस तरीके से आता है। क्या आपको यहां पर रिएक्शन मैकेनिज्म से स्टार्ट करने से पहले ये चीज दिख पा रही है कि यहां पर आपको फीलिंग आ रही है कैसा होगा ये रिएक्शन? सबसे पहले तो क्या होता है, फीलिंग इंपॉर्टेंट होती है, ऑर्गेनिक में फीलिंग इंपॉर्टेंट होती है। रिएक्शन को देखने की देखते ही, मतलब जो लिखा हुआ है ना उसको देखते ही आपको कुछ फीलिंग आनी चाहिए यहां पर क्या हो सकता है। और वो फीलिंग बच्चों कैसे आती है, वो इसी चीज से फीलिंग आती है कि यार पॉजिटिव चार्जेस कहां है, नेगेटिव चार्जेस कहां है, एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स कहां है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी का है। अगर आपको ये चीज दिख रही है यहां पर तो आप बिल्कुल आराम से बता दोगे सर रिएक्शन कैसे हो रही है। ध्यान से देखो यहां पर हमारे पास बच्चों एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स है और यहां पर क्या है, यहां पर डेल प्लस है, तो आपको खुद ही फील आ जानी चाहिए। अरे सर यहां पर तो मेरे को मैकेनिज्म दिख रहा है, मैकेनिज्म दिखना चाहिए। अल्टीमेटली मैंने आपको बता क्या बता रखा है बच्चों, ऑर्गेनिक जो है इट इज नॉट अबाउट रिमेंबरिंग रिएक्शन, इट इज अबाउट आइडेंटिफाइंग द मैकेनिज्म। आपको मैकेनिज्म आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, ये मैकेनिज्म यहां पर हो सकता है। अल्टीमेटली आपके जेई मेंस या एडवांस के क्वेश्चन इसी के बेसिस पे होते हैं, ठीक है। तो देखिए बच्चों यहां पर आपको बिल्कुल एकदम से दिखना चाहिए, अरे सर यहां पर कोई भी मैं इस तरह के एसाइल हैलाइड की बात करता हूं तो वहां पर तो डेल प्लस है, वो एक एसिड डेरिवेटिव सब में होता है, और अब ये ओ एच माइनस यहां पर अटैक कर सकता है, ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। अब यहां पर अगर अटैक हो रहा है आप बोलोगे सर यहां पर सबसे पहले तो मैं ये बना सकता हूं, बहुत अच्छी बात है, ठीक है, और यहां पर सीएल लगा हुआ है। अब बच्चों आप मुझे एक बात बताओ, क्या सीएल माइनस एक बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है कि नहीं है, क्या सीएल माइनस एक बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है कि नहीं है, क्या सीएल माइनस हमारे पास एक लिविंग ग्रुप है कि नहीं है, क्या सीएल माइनस स्टेबल स्पीशी है, क्या ये एक स्टेबल आयन है कि नहीं है बच्चों? बिल्कुल स्टेबल आयन, क्यों स्टेबल आयन, आपको पता है ये स्टेबल आयन होता है, आपको पता है सर HCl तो बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, वो तो आराम से H प्लस और सीएल माइनस दे देता है, पानी देता है ना, क्यों देता है, बिकॉज सीएल माइनस स्टेबल स्पीशी। अगर हम बच्चों स्ट्रॉन्ग एसिड्स की बात करते हैं, किसी भी स्ट्रॉन्ग एसिड को ले लो तो हम क्या बोलते हैं यार ये इसके कॉन्जुगेट बेस हैं, कॉन्जुगेट एसिड बेस फंडा तो पता होगा ना अब तक, तो यार सबको पता चल ही गया होगा है ना, वो तो समझ में आ जानी चाहिए। हमने बोला ये एसिड है, क्यों एसिड है, बिकॉज इसका कॉन्जुगेट बेस बच्चों क्या है, स्टेबल, तो ही तो हम बोलते हैं यार ये हमारे पास क्या है, गुड लीविंग ग्रुप की तरह काम कर सकता है, बिकॉज ये कॉन्जुगेट बेस, स्टेबल कॉन्जुगेट बेस है, बहुत आसानी से बन सकता है, क्या बन सकता है, बहुत आसानी से बन सकता है। तो जो सीएल माइनस एक गुड लीविंग ग्रुप है, इट्स अ वेरी गुड लीविंग ग्रुप, बहुत आराम से निकल सकता है, सीएल माइनस अपने आप में एक स्टेबल स्पीशीज, ठीक है, ये आपको पता है, ये आपको अलग अलग जगह से मैं रिलेट करके बता रहा हूँ। देखो अलग अलग जगह से ये आप कहाँ पढ़ते हो, ये तो आप अलग पढ़ते हो, इनऑर्गेनिक में पढ़ते हो, ये आप आयनिक इक्विलिब्रियम में भी पढ़ते हो कि सर कॉन्जुगेट बेस होते हैं वो स्टेबल होते हैं तो आपका स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। तो बच्चों अगर यहां पर मेरे पास ये निकल रहा है तो क्या ये मेरे पास एक स्टेबल स्पीशी क्रिएट करेगा? बिल्कुल सर क्रिएट करेगा, सीएल माइनस अपने आप में स्टेबल स्पीशी होती है। अब बच्चों मुझे एक आप आंसर ये वाला दो, अगर मैं कंपेयर कर रहा हूं बच्चों OH माइनस को सीएल माइनस से तो इसमें ज्यादा स्टेबल कौन सा है, इसमें ज्यादा स्टेबल कौन सा है, इन द सेंस कि क्या OH माइनस बहुत रिएक्टिव होता है? हाँ सर OH माइनस बहुत रिएक्टिव होता है, वो उसकी रिएक्शन करने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा होती है, बिकॉज OH माइनस क्या है, एक स्ट्रॉन्ग बेस है, ये क्या है हमारे पास, एक स्ट्रॉन्ग बेस,
ठीक है बच्चों, जो स्ट्रॉन्ग बेसिस होते हैं वो क्या होते हैं, अनस्टेबल स्पीशीज होते हैं, हाईली रिएक्टिव स्पीशीज होते हैं, ठीक है। स्ट्रॉन्ग बेसिस आर रिएक्टिव स्पीशीज। जबकि अगर मैं सीएल माइनस की बात करूं बच्चों, ये भी एक बेस है, मैंने क्या बोला, ये कॉन्जुगेट बेस है। किसका कॉन्जुगेट बेस है, एचसीएल का। ये बेस ही है ये एक बेस, कॉन्जुगेट बेस है किसका, एचसीएल का। पर ये क्या है, अपने आप में स्टेबल स्पीशीज, ये रिएक्टिव नहीं है, तभी तो आराम से बन जाता है। जबकि NaOH आप जानते हो बच्चों, NaOH तो सर स्ट्रॉन्ग बेस है। क्यों स्ट्रॉन्ग बेस है, OH माइनस बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है, रिएक्टिव स्पीशीज। तो देखो हमारा फंडा क्या हो गया, हमारा फंडा ये हो गया कि सर अगर मैं SN2TH रिएक्शन कराना चाहता हूं तो वो तब होगी जब मेरा जो लीविंग ग्रुप है ना, यहां पर Cl माइनस, वो ज्यादा स्टेबल स्पीशी है एज कंपेयर टू द इनकमिंग ग्रुप। बच्चों इसको मैं दूसरी तरीके से, स्टेबिलिटी जो होती है ना, आप स्टेबिलिटी को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में दूसरी तरीके से कैसे बोल देते हो, आप दूसरी तरीके से उसको बेसिक स्ट्रेंथ के फॉर्म में बोल देते हो। किस फॉर्म में बोल देते हो, बेसिक स्ट्रेंथ। मैंने क्या बोला आपको, OH माइनस स्ट्रॉन्ग बेस है, Cl माइनस वीक बेस है। इसको ही स्टेबिलिटी की टर्म्स में आप पढ़ सकते हो कि OH माइनस अपने आप में अनस्टेबल स्पीशी है, रिएक्टिव स्पीशी है, Cl माइनस अपने आप में स्टेबल स्पीशी है। बेसिक स्ट्रेंथ बच्चों, चीजों की बेसिक स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी वो बिल्कुल पैरेलल होती है। ध्यान से सुनो मैंने क्या बोला वापस बच्चों, मैंने क्या बोला, चीजों की बेसिक स्ट्रेंथ और उनकी जो स्टेबिलिटी होती है वो पैरेलल होती है। जितना ज्यादा स्टेबल स्पीशी होती है उतना कम बेसिक होती है, जितना अनस्टेबल स्पीशी होती है उतना ज्यादा बेसिक होती है ना। ये हमारे पास क्या हो जाता है, ये इनकी पैरेलल हो जाती है। जो हमारे पास स्टेबिलिटी होती है बच्चों, जितना ज्यादा हमारे पास स्टेबल स्पीशी है उतना कम बेसिक होगा, ठीक है। और जो हमारे पास बेसिक स्ट्रेंथ है, ठीक है, इसको हम स्टेबिलिटी की टर्म्स में आराम से इस तरीके से लिख सकते हैं कि भाई जितना हमारे पास जो है बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा है उतना उसकी स्टेबिलिटी कम होगी। क्या होगी, उतनी उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, कम होगी। इसको हम देख सकते हैं। तो बच्चों आप जानते हो अगर आपके पास कोई कॉन्जुगेट बेस वीक है, कोई वीक कॉन्जुगेट बेस है ना, तो वो हमारे पास क्या है, स्टेबल स्पीशी। बात समझ में आ रही, ठीक है। तो ये हमारा फंडा था यहाँ पर पढ़ने के लिए। नेक्स्ट बच्चों, और कौन सी कंडीशन रिक्वायर होती है SN2TH के लिए, न्यूक्लियोफाइल मस्ट बी स्ट्रॉन्ग इनफ न्यूक्लियोफिलिक टू अटैक RCOCl। जो हमारे पास ये होता है बच्चों, RCOL पे कोई अटैक, ये तभी होगा जब न्यूक्लियोफाइल की कुछ सफिशियंट स्ट्रेंथ हो। अगर बहुत ही वीक न्यूक्लियोफाइल है तो नहीं हो पाएगा, बहुत ही वीक न्यूक्लियोफाइल है तो नहीं हो पाएगा। ये हमारे पास रिएक्शन तब होती है जब ये कम से कम कुछ स्ट्रेंथ होना चाहिए। अब ये कैसे स्ट्रेंथ होगी, आपको जो मैं रिएक्शन कराऊंगा उसमें बच्चों याद हो जाएगा, आपको बिल्कुल फील आ जाएगी सर यहां पर हो सकता है यहां पर नहीं हो सकता है, मैं आपको बिल्कुल एक्सप्लेन करता रहूंगा। थर्ड कंडीशन जो होती है बच्चों यहाँ पर, थर्ड कंडीशन वही होती है, कार्बोनाइल कार्बन मस्ट बी इनफ इलेक्ट्रोफिलिक टू रिएक्ट विद न्यूक्लियोफाइल। कार्बोनाइल कार्बन जो है उसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी होनी चाहिए न्यूक्लियोफाइल से रिएक्ट करने के लिए, है ना। अच्छा सर आप तो बोल रहे थे कि कार्बोनाइल के अंदर तो डेल प्लस चार्ज तो है ही यहाँ पर, तो ये डेल प्लस चार्ज तो सबके अंदर होना चाहिए ना, यहाँ पर सबके अंदर होना चाहिए। क्या कोई ऐसी चीज है जो कि इस डेल प्लस चार्ज को ड्यू टू एनी रीजन कम कर रही है? आपने बोला क्या सर, आपने ये बोला कि सर आर सी डबल बॉन्ड जो है उस पर तो हमेशा डेल प्लस है। क्यों डेल प्लस है, बिकॉज यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो यहाँ पर तो डेल प्लस है। क्या कोई ऐसी चीज है जो कि इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ा रही है या कम कर रही है? देखो ये क्या है, अभी ध्यान से सुनो, अगर मैं बोल रहा हूँ देखो यहाँ पर ध्यान से सुनो, अगर मैं बोल रहा हूँ कि यार मेरे पास कोई न्यूक्लियोफाइल है जो कि अटैक कर रहा है किसी भी चीज पे, कोई न्यूक्लियोफाइल है जो कि कार्बन पे अटैक कर रहा है किसी भी चीज पे अटैक कर रहा है, तो न्यूक्लियोफाइल बच्चों हमेशा किस पे रिएक्ट करता है, हमारे पास जनरल टर्म क्या होती है, इलेक्ट्रोफाइल्स पे अटैक करता है, होता है कि नहीं होता। हम क्या बोलते हैं कि सर ये न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है तो ये कहां अटैक कर रहा होगा, अरे सर ये इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे अटैक कर रहा होगा। बिकॉज न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल ये क्या होते हैं हमारे, यही तो जो प्यार करने वाले हमारे जोड़े होते हैं उनका नाम हम दे देते हैं ऑर्गेनिक, मैक्सिमम तुम्हें यही देखने मिला यार, यही तो हमारे कपल्स होते हैं, है ना, न्यूक्लियोफाइल एंड इलेक्ट्रोफाइल। न्यूक्लियोफाइल जाता है इलेक्ट्रोफाइल के पास या इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल को अपने साइड खींचने की कोशिश करता है, यही तो हमारा फंडा होता है ऑर्गेनिक रिएक्शंस का। न्यूक्लियोफाइल है तो इलेक्ट्रोफाइल के पास जाएगा, न्यूक्लियोफाइल मतलब एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रोफाइल मतलब लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो हम क्या बोल रहे हैं कि सर ये जो कार्बन है जिस पर आप डेल प्लस दिखा रहे हो इसको आप इलेक्ट्रोफिलिक बोलोगे, इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन है। नाउ द क्वेश्चन इज, क्या यहां पर कोई ऐसा चीज हो सकती है जो कि इस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिक स्ट्रेंथ को चेंज करे, उसको या तो बढ़ाए या उसको कम करे, क्या ऐसे कोई फैक्टर्स हमारे पास हैं? तो बिल्कुल ऐसे फैक्टर्स होते हैं। लेट्स लुक एट दिस।
सपोज बच्चों हम बात करें यहां पर आर सी डबल बॉन्ड ओ की, अब सपोज मैं यहां पर सीएल लगा देता हूं और दूसरा केस है मेरे पास एनएच टू अमाइड का। हमारे पास दो ये वाले ग्रुप्स हैं। देखो हम मेनली इन चार ग्रुप्स की बात करने वाले हैं, इनको याद कर लोगे तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा हम क्या बात कर रहे हैं। देखो यहाँ पर हम ये बात कर रहे हैं कि सर आर सी ओ सी एल ये हमारे पास एसाइल हैलाइड होता है, ये एक टाइप का जो है एसिड डेरिवेटिव है, और दूसरा यहाँ पर हमारे पास अमाइड्स हैं, ये एक टाइप के एसिड डेरिवेटिव है। वेरी वेल सर, ये सी एल जो है कार्बोनाइल पे क्या इफेक्ट डालता है? ये सी एल जो है कार्बोनाइल पे क्या इफेक्ट डालेगा बताओ बच्चों? सी एल कैसा ग्रुप होता है? सी एल अगर एक सिंगल बॉन्ड से किसी से ज्वाइन होता है कार्बन से, ठीक है, सी एल जब भी एक सिंगल बॉन्ड से कार्बन पे ज्वाइन होता है मेनली वो क्या इफेक्ट दिखाता है वहां पर? मेनली बच्चों को दिखाता है अपना माइनस आई इफेक्ट। क्या दिखाता है उसका? बहुत स्ट्रॉन्ग माइनस आई इफेक्ट होता है, इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी होती है। क्या होती है? इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी। तो ये जो सीएल लगा हुआ है बच्चों, ये जो सीएल लगा हुआ है ये इस आर सी डबल बॉन्डो की क्या बनाएगा? स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। क्या करता है? इस आर सी डबल बॉन्डो से देखो यहां पर भी इलेक्ट्रॉन्स इसके खींच रहे हैं और यहां से भी इलेक्ट्रॉन जो है वो खींचने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब यहां पर ऐसे समझ लो ना, जैसे तुम्हारे दो वो होते हैं ना, जैसे सपोज तुम्हारे पास एक दो फ्रेंड्स हैं, एक तुम्हारा हाथ जो पकड़ के यहां से खींच रहा है, एक तुम्हारा यहां से हाथ पकड़ के खींच रहा है, दोनों तुम्हारे क्या है हाथ खींच खींच के तुम्हें पागल करे जा रहे हैं, ठीक है, तुम्हारे हाथ खींच खींच के तुमसे दूर जो है लेके जा रहे हैं, पागल करे जा रहे थे। तो अल्टीमेटली बच्चों यहां पर ये जो ऑक्सीजन होता है और ये जो क्लोरीन होता है, ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स होते हैं। ये इस कार्बन को क्या करते हैं? इससे इलेक्ट्रॉन्स खींच खींच के उसको पागल करने की कोशिश करते हैं, इस पे बहुत एक्सेस में पॉजिटिव चार्ज क्रिएट कर देते हैं। बात समझ आ रही? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेम्बर, बिकॉज मैं बहुत सारी रिएक्शन तो मैं इसी के बेसिस पे समझा दूंगा कि सर देखो एसाइल हैलाइड जो है ना उसका जो कार्बोनाइल कार्बन का इलेक्ट्रोफिलिसिटी होता है वो बहुत ज्यादा होता है। क्यों होता है? हाईली इलेक्ट्रोफिलिक। हाईली इलेक्ट्रोफिलिक क्यों होता है? बिकॉज यहां तो यार दो दो एलिमेंट लगे हुए हैं जो इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं, कार्बन को पागल कर रहे हैं खींच खींच के। अच्छा अब इसको कंपेयर करते हैं बच्चों हम अमाइड से। अमाइड के अंदर देखो क्या होता है, अमाइड्स के अंदर क्या होता है, अमाइड्स के अंदर क्या होता है बच्चों? अमाइड्स जो है उसके अंदर एक बहुत प्यारी सी रेजोनेंस चल रही है। क्या चल रही होती है? बहुत प्यारी सी रेजोनेंस। इस रेजोनेंस के अंदर आपको पता है नाइट्रोजन पे यहां पर एक लोन पेयर है, बहुत इजीली अपने लोन पेयर जो है बच्चों इलेक्ट्रॉन्स रेजोनेंस के अंदर दे सकता है। तो बहुत प्यारी सी यहां पर एक रेजोनेंस चल रही है। और इनफैक्ट बच्चों अगर देखा जाए तो यहां पर क्या होता है, यहां पर आपकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ दिस कार्बन, इस कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी इस रेजोनेंस की वजह से कम हो रही होती। क्यों? बिकॉज नाइट्रोजन बहुत आराम से यहां पर अपने इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है। बहुत बढ़िया बात है, नाइट्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है तो फिर वहां पर O पे नेगेटिव चार्ज दे रहा है। O पे बच्चों अगर नेगेटिव चार्ज जा रहा है तो O का जो इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी है वो कम हो जाएगी। नाइट्रोजन ने अपना डबल बॉन्ड यहां पर बना रखा है, नाइट्रोजन ने क्या कर रखा है अपना डबल बॉन्ड कार्बन से बना दिया और ऑक्सीजन की साइड यहां पर इलेक्ट्रॉन पेयर भेज दिया। उसकी वजह से क्या होता है बच्चों अमाइड्स के अंदर, अमाइड्स के अंदर कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी कम हो जाती है। क्या हो जाती है? अमाइड्स के अंदर इलेक्ट्रोफिलिसिटी कम हो जाती है। बात समझ आ रही है? हम बात कर रहे थे कि देखो RCO जो है बच्चों, RCO वो हमारे पास क्या होते हैं? इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन होते हैं। नाउ वी आर सेइंग कि जो यहां पर L लगा हुआ है या फिर यहां पर कोई भी ग्रुप लगा हुआ है बच्चों, इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी को अफेक्ट कर सकता है। क्लोरीन जो होता है वो बच्चों बहुत स्ट्रॉन्ग माइनस आई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है ना, वो हमारा इलेक्ट्रॉन्स का शिकारी होता है, इलेक्ट्रॉन्स खींचना चाहता है, वो हमारे पास इसको हाईली इलेक्ट्रोफिलिक बना देता है इस कार्बन। जबकि ये वाला जो कार्बन है बच्चों, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द NH2 ग्रुप, ये हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास मच लेस इलेक्ट्रोफिलिक होता है, इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी बच्चों क्या होती है? कम हो जाती है। बात बिल्कुल क्लियर हो रही है? इसलिए अब बच्चों अगर आप ध्यान से देखो तो हमारा जो रिएक्टिविटी ऑर्डर होता है इन चार एसिड डेरिवेटिव्स का वो कुछ इस तरीके से निकल के आता है। जो बच्चों हमारे पास एसाइल हैलाइड होते हैं वो हाईली रिएक्टिव होते हैं। बात सुन लो, मेरा वर्ड सुन लो, तुम्हारी आधी रिएक्शन तुम ऐसे ही कर दोगे। तुम बस ये सुन लो कि एसाइल हैलाइड बहुत हाईली रिएक्टिव होते हैं, बहुत आसानी से न्यूक्लियोफाइल से रिएक्ट कर सकते हैं, बहुत आसानी से न्यूक्लियोफाइल से रिएक्ट कर सकते हैं। हाईली इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन होते हैं, ठीक है, ये वाला कार्बन हाईली इलेक्ट्रोफिलिक होता है, बहुत आसानी से रिएक्शन कर सकता है। एक्सपेरिमेंटल फैक्ट, ये बच्चों एक्सपेरिमेंटल फैक्ट है आपका। एसाइल हैलाइड्स बहुत हाईली रिएक्टिव होते हैं,
बहुत आसानी से रिएक्ट कर जाते हैं, अनस्टेबल भी होते हैं टू द एक्सटेंट वो इतने रिएक्टिव होते हैं दे आर इवन अनस्टेबल, क्योंकि बहुत आसानी से उस पर अटैक हो सकता है, ठीक है। देन बच्चों अगर बात करें एसिड एनहाइड्राइड्स, ये हमारे नेक्स्ट नंबर पे आ जाते हैं, ये इनकी रिएक्टिविटी नेक्स्ट नंबर पे आ जाती है। और यहां पर भी बच्चों रीजन वही है आपका माइनस आई इफेक्ट माइनस एम इफेक्ट किस तरीके से काम कर रहा है, या फिर आप ये भी बोल सकते हो सर यहां पर भी आप रेजोनेंस दिखाओगे क्योंकि ऑक्सीजन है तो वो वहां पर इलेक्ट्रोफिलिसिटी कम कर रहा होगा। बच्चों यहां पर ये जो है ये और ज्यादा आसानी से रेजोनेंस कर सकता है तो ये इलेक्ट्रोफिलिसिटी और कम कर रहा है, और नाइट्रोजन जो है बच्चों और ज्यादा आपके पास आसानी से इलेक्ट्रॉन दे सकता है, ये इलेक्ट्रोफिलिसिटी और कम कर रहा है। अगर बच्चों आपको ये अभी तक ऑर्डर नहीं पता था, अभी तक आपको ये ऑर्डर नहीं पता था रेजोनेंस के अंदर, अगर आपको रेजोनेंस के अंदर ये ऑर्डर नहीं पता था कि सर कौन सा एटम ज्यादा आसानी से इलेक्ट्रॉन दे सकता है रेजोनेंस में, अगर बच्चों मैं कंपेयर करूं ऑक्सीजन को और नाइट्रोजन को, तो अभी से गांठ बांध के रख लो इसको कि जो नाइट्रोजन होता है बच्चों वो ज्यादा आसानी से इलेक्ट्रॉन दे सकता है रेजोनेंस के अंदर एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। ये आप लिख लो बच्चों, ये आपको बहुत काम आएगा, बहुत अलग अलग जगह काम आता है, बहुत अलग अलग तरीके से फैक्ट पे क्वेश्चंस बन जाते हैं कि नाइट्रोजन ज्यादा आसानी से इलेक्ट्रॉन दे सकता है रेजोनेंस के अंदर। अब ध्यान से सुन लो हमने क्या बोला, यहां पर नाइट्रोजन क्या दे रहा है, ज्यादा आसानी से इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो क्या कर रहा होगा वो, जितना आसानी से इलेक्ट्रॉन्स कार्बन पे जा रहे हैं उतनी उसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी क्या कर रहे हैं बच्चों, कम कर रहे हैं। बात समझ में आ गई? तो बच्चों यही चीज अगर हम देखें, यही मैंने आपको सारे के सारे पॉइंट्स जो बताए हैं उसी के बेसिस पे बच्चों यहां पर हम लिख सकते हैं कि रिएक्टिविटी का ऑर्डर, जैसे मैंने अभी बोला कि देखो एसिड क्लोराइड सबसे हाईली रिएक्टिव होते हैं, क्यों, दो रीजन हो गए इसके, क्यों, बिकॉज ये हाईली इलेक्ट्रोफिलिक है और यहां पर बच्चों जो लीविंग ग्रुप निकल रहा है आपका वो सबसे ज्यादा स्टेबल है, ये जो लिविंग ग्रुप है बच्चों वो सबसे ज्यादा स्टेबल है। अगर आपको स्टेबिलिटी अभी भी नहीं समझ में आया तो आप जो है बेसिक स्ट्रेंथ की टर्म्स में बात कर लो, बेसिक स्ट्रेंथ कि अगर मैं Cl- को देखूं है ना एज अ कॉन्जुगेट बेस तो वो किससे बना हुआ है बच्चों, वो बना हुआ है HCl से, HCl तो सर स्ट्रॉन्ग एसिड होता है तो उसका कॉन्जुगेट बेस क्या होगा, वीक होगा, तो वीक 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 हमारे पास बेसिक वीक बेस है, इसका मतलब क्या है, स्टेबल आयन, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों अगर यहां पर देखें एसिड एनहाइड्राइड, एसिड एनहाइड्राइड जो है इसके अंदर अगर हम देखें बच्चों तो इसका इलेक्ट्रोफिलिसिटी कम होता है एज कंपेयर टू RCO स्केल, साथ में बच्चों इसका लीविंग ग्रुप का जो स्टेबिलिटी होता है, ध्यान से देखो यहां पर लीविंग ग्रुप का जो स्टेबिलिटी होता है बच्चों, आप देखो यहां पर ये जो हमारे पास बना हुआ है R-C OO- है ना, ये बच्चों किससे बना होगा, ये अल्टीमेटली हमारे पास बना होगा, ये हमारे पास बना होगा किससे, RCOOH, ठीक है, मतलब हमारे पास एक कार्बोक्सिलिक एसिड का कॉन्जुगेट बेस है, कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या है बच्चों, एक कॉन्जुगेट बेस है। आपको पता है कार्बोक्सिलिक एसिड रिलेटिवली हमारे पास क्या होते हैं, रिलेटिवली हमारे पास वीक एसिड होते हैं, क्या होते हैं हमारे पास, वीक एसिड, तो इनका जो कॉन्जुगेट बेस होगा है ना, कॉन्जुगेट बेस होगा, सपोज हम Cl- से कंपेयर करें तो Cl- के कंपेरिजन में तो बच्चों ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस है, तो इसका मतलब स्टेबिलिटी इसकी क्या होगी हमारे पास, ठीक है, इसकी स्टेबिलिटी हमारे पास कम होगी, इसकी स्टेबिलिटी किससे कंपैरिजन में, Cl- कंपैरिजन। उसी तरीके से बच्चों अगर हम कंपेयर करें तो एस्टर के अंदर हमारे पास लीविंग ग्रुप होता है RO-, इसके अंदर जो इलेक्ट्रोफिलिसिटी होती है वो भी हमारे पास बच्चों रिलेटिवली कम हो रही है एसिड एनहाइड्राइड के कंपैरिजन में, और जो हमारे पास लीविंग ग्रुप निकल रहा है बच्चों उसकी स्टेबिलिटी भी कम है एज कंपेयर टू एसीटेट आयन। क्या आप इस बात को समझ पा रहे हो, क्या आप इस बात को समझ पा रहे हो कि RCOO- की बच्चों अगर मैं स्टेबिलिटी देखूं इन कंपैरिजन टू व्हाट R-O- तो कौन ज्यादा स्टेबल होगा बच्चों, कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा, अरे मेरे भाई यही तो ज्यादा स्टेबल होता है, क्यों स्टेबल होता है, क्यों स्टेबल होता है, ये रेजोनेंस है ना। अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूं तो यार ये मेरे पास ज्यादा स्टेबल होता है ना बिकॉज इसमें रेजोनेंस है, नेगेटिव चार्ज, जबकि इस पे नहीं है RO-। एंड बच्चों अगर मैं लास्ट में कंपेयर करूं कि सपोज आपके पास अमाइड में से आप NH2- निकाल रहे हो, ये लिविंग ग्रुप का काम कर रहा है, तो यार NH2- तो हमारे पास इन सब में सबसे लीस्ट स्टेबल है, इन सब में क्या है, लीस्ट स्टेबल है, बिकॉज नाइट्रोजन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, उस पर आपने वो नेगेटिव चार्ज डाल रखा है। ऊपर वाले केस में देखो रेजोनेंस हो रहा है, यहां पर O- से कंपेयर करें तो बच्चों O- की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, नाइट्रोजन की कम है। अच्छा ये जो आपको अगर फंडा समझ में आ गया तो फिर आपकी जिंदगी अब सेट है, आप बहुत आसानी से बच्चों कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स की जो रिएक्शन है बहुत आसानी से आप क्रैक कर सकते हो, बहुत आसानी से। लेट मी शो यू हाउ यू विल क्रैक दी रिएक्शन वेरी इजिली।
SN2 TH टाइप का मैकेनिज्म आप अगर देखोगे बच्चों, बहुत आसानी से आप एसाइल हैलाइड की रिएक्शन के सारी की सारी कर पाओगे। बहुत ध्यान से देखो, वाटर एसाइल हैलाइड मैंने आपको बोला बहुत हाईली रिएक्टिव है, वाटर से भी रिएक्ट कर जाता है। ध्यान से देखो क्या बनेगा यहाँ पर, ये यहाँ पर आया Cl- को निकाला, यहाँ पर क्या हमारे पास बन गया, ध्यान से देखो क्या बन जाएगा हमारे पास, RCOOH यहाँ पर बन जाएगा अल्टीमेटली, क्या बन जाएगा RCOOH बन जाएगा। सिमिलरली बच्चों अगर मैं NH3 की बात करूं तो NH3 जो है यहाँ पर अटैक करेगा Cl को निकालेगा और वहां पर अल्टीमेटली क्या बन जाएगा NH2 बन जाएगा। ठीक है, R-CULi बच्चों अगर आपको नहीं पता इसका मतलब होता है R-ion, R-ion क्या करेगा यहाँ पर अटैक करेगा Cl को हटा देगा, है ना। ये सब बच्चे आपके क्या है, ये सारे न्यूक्लियोफाइल्स हो गए, ये न्यूक्लियोफाइल हो गया, ये न्यूक्लियोफाइल हो गया, ये बहुत आसानी से आपके पास क्या कर सकते हैं, इनको हटा सकते हैं, Cl को हटा सकते हैं और रिएक्शन करा सकते हैं। और ध्यान से देखो यहाँ पर हमारे पास ये है, ये इस तरीके से अटैक करेगा, इसने अटैक करा यहाँ पर क्या करेगा Cl को हटा देगा, खुद वहां पर लग जाएगा, आपके पास एस्टर बन जाएगा। सिमिलरली बच्चों RCOO- है ना, RCOO- ये यहाँ पर क्या कर रहा है, RCO- यहाँ पर अटैक कर रहा है, Cl को निकाल रहा है, क्या बना रहा है एनहाइड्राइड बना रहा है। वापस से मैं आपके लिए रिएक्शंस लिख देता हूँ बच्चों, हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, RCOCl बहुत आसानी से रिएक्ट कर सकते हैं। कैसे रिएक्ट करेंगे, अगर आप इन पे एक न्यूक्लियोफाइल डाल देते हो तो, सपोज मैं न्यूक्लियोफाइल की बात करूं सर, कौन कौन से न्यूक्लियोफाइल, आप ध्यान से देखो बच्चों, वाटर, वाटर यहाँ पर रिएक्ट करेगा Cl को निकाल देगा, क्या बना देगा अपने पास RC OOH2+, और बच्चों यहाँ पर जो एक एक्स्ट्रा एच है उसको भी आप निकाल देते हो, वो सॉल्वेंट के साथ चला जाता है, ये हमारे मैकेनिज्म का एक जनरल फंडा होता है, RCOOH बन जाएगा। सिमिलरली बच्चों अगर हम बात करें RCOCl, है ना, ये NH3 के साथ रिएक्ट करके क्या करते हैं, NH3 के साथ रिएक्ट करके इसको निकाल देते हैं, क्या बना देते हैं RCONH3+ बनाते हैं पहले, और वहां से एक H+ आप निकाल देते हो, क्या बना देते हो फिर, अमाइड बना देते हो। बहुत बढ़िया, आपको यहाँ पर अमाइड की रिएक्शन भी आ गई, आपको कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन भी आ गई, यहाँ पर आपको अमोनिया की रिएक्शन भी आ गई, यहाँ पर आपको एसाइल हैलाइड की रिएक्शन आ गई। अरे ऑर्गेनिक में ऐसा ही होता है, ऑर्गेनिक में यही रिएक्शन तेरे को एसाइल हैलाइड में भी मिलेगी बच्चे, यही तेरे को अमाइड में भी मिल जाएगी, यही तेरे को कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ पर भी मिल जाएगी, है ना, ये यही रिएक्शन तुझे चार चैप्टर में चार अलग तरीके से लिखी हुई मिल जाएगी, बात सेम ही होती है, मैकेनिज्म एक ही है। सिमिलरली बच्चों अगर हम बात करें RCOCl की रिएक्शन किसके साथ, सपोज ROH है हमारे पास, ठीक है, बहुत बढ़िया, ये भी यहाँ पर अटैक करके निकाल सकता है, बिकॉज RCOCl आर हाईली रिएक्टिव, दे आर हाईली रिएक्टिव, ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास R- बन जाएगा। सिमिलरली बच्चों अगर बात करें यहाँ पर RCOCl की, इसका रिएक्शन करा रहे हम RCOO- से, बहुत ध्यान से देखो ये आएगा इस तरीके से, यहाँ पर अटैक करेगा Cl को निकाल देगा RCOOR, है ना, ये हमारे पास बन जाए, बहुत बढ़िया। तो देखो क्या बन गया, एसिड बन गया, अमाइड बन गया, है ना, एस्टर बन गया, एनहाइड्राइड बन गया। आपने यहाँ पर इसके अलग अलग रिएक्शंस नहीं पढ़ी है कि सर मैं तो एसिड में ही पढ़ूंगा, अमाइड तो अमाइड में ही पढ़ूंगा, उसकी रिएक्शन एस्टर की रिएक्शन मैं एस्टर चैप्टर में पढ़ूंगा, एनहाइड्राइड की रिएक्शन में एनहाइड्राइड चैप्टर में पढ़ूंगा, नहीं, हमने सारी रिएक्शन एक ही जगह कवर कर दी कि देखो ये हमारे पास प्रिपरेशन रिएक्शंस हो गई इन चार ग्रुप्स की, एसिड डेरिवेटिव्स की, फील आ रही है, ठीक है। चलो बच्चों अब कुछ हम यहाँ पर क्वेश्चंस करेंगे एंड मैं आपका जो लेवल इन रिएक्शंस को समझने का, इन रिएक्शंस का जो समझने का लेवल है बच्चों, मैं अप टू एडवांस लेवल आपका करा दूंगा, ठीक है। अब बच्चों बिल्कुल ध्यान से यहाँ पर देखो, यहाँ पर बिल्कुल ध्यान से देखो, RCH3COF, CH3COCl, CH3COBr, CH3Cl, आपको यहाँ पर अगर मैं पूछूं कि यार यहाँ पर सबसे हाईली रिएक्टिव हैलाइड कौन सा होगा, सबसे हाईली रिएक्टिव, या फिर मैं आपसे पूछूं कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द रिएक्टिविटी ऑफ द हैलाइड्स क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हैलाइड्स, ठीक है। अब बच्चों यहां पर सपोज मेरे पास न्यूक्लियोफाइल सेम है, सबके केस में न्यूक्लियोफाइल सेम है, सबके केस में मैंने न्यूक्लियोफाइल सेम लिख रखा है, एसिड हैलाइड्स है मेरे पास, तो अल्टीमेटली किस पे डिपेंड करेगा, ऑब्वियसली इन पे डिपेंड करेगा कि हमारे पास जो लीविंग ग्रुप है वो कैसे हैं, जो लीविंग ग्रुप है वो कैसे हैं, एंड जो सबसे अच्छा लीविंग ग्रुप होगा वो सबसे आसानी से निकल जाएगा, जो हमारे पास कम अच्छा लीविंग ग्रुप होगा वो इतना आसानी से नहीं निकल पाएगा, बात समझ में आ रही है। तो हम देखो क्या बोलेंगे यहाँ पर, हम यही बोलेंगे बच्चों, हम यहाँ पर यही चीज बोलेंगे कि सर यहाँ पर जो सबसे अच्छा लीविंग ग्रुप है वो सबसे आसानी से निकल जाएगा, तो आई माइनस, बच्चों लीविंग ग्रुप की अगर बात करें, लीविंग ग्रुप की, तो भाई आप फंडा समझ सकते हो स्टेबिलिटी का,
कि आई माइनस सबसे अच्छा लीविंग ग्रुप होता है बच्चों, फिर बी आर माइनस होता है, फिर सी एल माइनस होता है, फिर एफ माइनस होता है। तो बेस्ड ऑन दैट कि अगर हम यहाँ पर रिएक्टिविटी की बात करें बच्चों, कौन सा ज्यादा रिएक्टिव होगा, कौन सा कम रिएक्टिव होगा, सिंपल सी बात हम यहाँ पर बोल सकते हैं, ये हमारे पास सबसे हाईली रिएक्टिव होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा। बात समझ में आ रही है? ये आपने क्या करा, आपने SN2TH मैकेनिज्म के थ्रू रिएक्शन जो होती है एसाइल हैलाइड्स की, वो रिएक्शन देखी बच्चों इन प्रेजेंस ऑफ द न्यूक्लियोफाइल। नेक्स्ट बच्चों ये वाला केस, यहां पर बच्चों आपके पास जो है लीविंग ग्रुप सेम है, यहां पर लीविंग ग्रुप आपके पास क्या है, सेम है। आपने सपोज एक ही न्यूक्लियोफाइल लिया और आपसे जो है यहां पर सपोज पूछा जाए कि रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होगा, तब आप क्या देखोगे भाई यहां पर बाकी की चीज क्या ले लूंगी। यार ये बाकी की चीज देखना भी थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है? बिकॉज अल्टीमेटली हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, SN2 टाइप का मैकेनिज्म, इसका मतलब आपका जो है न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा होगा कार्बोनाइल कार्बन पे, वो जितना आसानी से अटैक करेगा उतना आसानी से रिएक्शन होगा, जितना आसानी से अटैक होगा उतना आसानी से रिएक्शन होगा। ये बात समझ में आ रही है? अब यहां पर देखो हम क्या बोल रहे हैं, यहां पर सबसे छोटा सबस्ट्रेट है, यहां पर आपका सबस्ट्रेट बड़ा हो गया है, तो बच्चों बेस्ड ऑन द भीड़ भाड़ इफेक्ट है ना, हमने अपना बना रखा है ना भीड़ भाड़ इफेक्ट, दैट इज कॉल्ड स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस के बेसिस पे हम क्या बोलेंगे, अरे स्टेरिक हिंड्रेंस के बेसिस पे तो सर या इसकी रिएक्टिविटी तो कम हो जाएगी, बिकॉज इस पे न्यूक्लियोफाइल आसानी से रिएक्टिव नहीं कर पाएगा, इस पे अटैक नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट ये वाला पूछू बच्चों मैं आपसे, इस वाले केस में मुझे बताइए कि इसमें ज्यादा रिएक्टिव कौन सा होगा। आप सोचो 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 यहां पर क्या लग रहा होगा, सर कैसे करेंगे कैसे करेंगे। आप सोचो सर न्यूक्लियोफाइल तो मेरे आपने सपोज सेम ले रखा है, सपोज आपने सेम न्यूक्लियोफाइल ले रखा है, फिर क्या है, अरे सर लीविंग ग्रुप है वो भी सेम है, तो डिफरेंस कहां आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है यहां पर सबस्ट्रेट क्या है। अच्छा यहां पर जो बच्चों सबस्ट्रेट है, अगर आप बिल्कुल ध्यान से जो है ऑर्गेनिक पढ़ रहे हो, अब तक आपको ये चीज समझ में आ गई होगी, इन सबस्ट्रेट्स के अंदर एक कैरेक्टरिस्टिक होती है। क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है, जब भी सी डबल बॉन्ड हो बच्चों यहां पर बेंजीन पे लगा होता है तो क्या कर रहा होता है, वो उससे इलेक्ट्रॉन्स ले रहा होता है। क्या करता है, उसे इलेक्ट्रॉन्स लेता है। इतना तो पता है सबको कि सी डबल बॉन्ड हो जो होता है बच्चों उसका माइनस एम इफेक्ट होता है, पता है कि नहीं पता है, नहीं पता तो याद कर लो सी डबल बॉन्ड हो का हमेशा क्या होता है, माइनस एम इफेक्ट होता है। मतलब अगर वो बेंजीन पे लगा हुआ है तो वो हमेशा क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ ही करेगा, वो इलेक्ट्रॉन कभी भी दे नहीं सकता, वो बेंजीन को इलेक्ट्रॉन दे नहीं सकता, सी डबल बॉन्ड हो कभी भी इलेक्ट्रॉन दे नहीं सकता, वो हमेशा क्या करता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ ही करता है। तो अल्टीमेटली यहां पर हम बोल रहे हैं कि सर यहां पर जो है इलेक्ट्रॉन दे रहा है बेंजीन इसको, तो मतलब यहां पर रेजोनेंस हो रहा है। अब ये जो रेजोनेंस हो रहा है उसके अंदर हो क्या रहा है, उसके अंदर हम बोल रहे हैं सी डबल बॉन्ड ओ माइनस सी एल इस तरीके से बन रहा है, बहुत बढ़िया बात है। अगर ये यहां पर बन रहा है बच्चों तो इससे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, इससे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, इससे यही इफेक्ट पड़ रहा है कि यार ये जो कार्बन है उसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी क्या है, उसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी कम हो रही है। क्या हो रही है, उसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी बच्चों कम हो रही है, हो रही है कि नहीं हो रही है, मेक सेंस। क्यों, बिकॉज मैंने तुम्हें NH2 के केस में भी सेम ही चीज दिखाई थी कि अगर सी डबल बॉन्ड हो NH2 है उस केस में भी क्या हो रहा था, इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी बच्चों कम हो रही थी, राइट। यहां पर भी हम क्या बोल रहे हैं, अगर कार्बोनाइल कार्बन पे तुम इलेक्ट्रॉन दो रेजोनेंस के थ्रू तो उसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी कम होती है, तो यहां पर हम बोलेंगे बच्चों इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी कम होगी, तो इसका मतलब इसकी रिएक्शन की रेट कम होगी, इसकी रिएक्टिविटी आपकी कम होगी और इसकी ज्यादा होगी, बिकॉज यहां पर ऐसा कोई इफेक्ट नहीं है, यहां पर आपका कोई भी रेजोनेंस इफेक्ट नहीं लग रहा है, यहां पर ज्यादा आप बोल सकते हो कि यार कार्बन से नॉर्मली बॉन्डेड है, इंडक्टिव इफेक्ट लग रहा होगा बिदाच, बट अल्टीमेटली बात क्या हो रही है कि यार इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी कम है, इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी ज्यादा है, ठीक है। तो रिएक्शन की रेट ज्यादा कहां पर होगी, मैंने आपको कंडीशंस के अंदर क्या बताया बच्चों, जितना ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन होगा उतनी आसानी से आपकी जो है रिएक्शन यहां पर हो सकती है, बात बिल्कुल क्लियर हो गई। नेक्स्ट अगेन बच्चों सेम चीज, सपोज मैं आपको एस्टर दे रहा हूं और एस्टर की मैं आपको रिएक्टिविटी यहां पर पूछ रहा हूं, है ना, यहां पर मैं कोई न्यूक्लियोफाइल काम में ले सकता हूं, कोई भी न्यूक्लियोफाइल, जैसे सपोज मैं यहां पर बहुत स्ट्रॉन्ग सी एस थ्री माइनस काम में ले रहा हूं, CH3 माइनस पता है सबको स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है ना, हाईली अनस्टेबल है, आराम से जो है ये अपनी इलेक्ट्रॉन्स देता है और इलेक्ट्रॉन देके रिएक्शन करा सकता है, ठीक है। अब मैं आपसे पूछूं सपोज यहाँ पर CH3 माइनस को रिएक्शन करानी है, मुझे बताओ कहाँ पर जो है रिएक्शन की रेट ज्यादा होगी, आप सेम फंडा लगा सकते हो, अभी मैंने बताया कि सर यहाँ पर इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी कम है, इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी ज्यादा है, तो रेट ऑफ रिएक्शन इसकी ज्यादा होगी, इसकी ज्यादा होगी,
बच्चों आपने क्या कर लिया यहाँ पर, आपने जो है एस्टर की रिएक्टिविटी भी पढ़ ली, आपने क्या पढ़ लिया यहाँ पर, एस्टर की रिएक्टिविटी पढ़ ली, ठीक है। यहां पर वापस से मुझे बताओ अब यहां पर क्या होगा बच्चों, यहां पर क्या होगा, यहां पर हम बोल रहे हैं कि सर ये जो CH3CO है ना, ये तो सेम है, इसका मतलब यहां पर, तो मतलब यहां पर ध्यान से देखो, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या, यहां पर ये जो CH3 है वो कार्बोनाइल कार्बन पे कुछ नहीं कर रहा, उसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी को अफेक्ट नहीं कर रहा है यहां पर, उसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी पे कोई इफेक्ट नहीं डाल रहा है, ठीक है, उसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी पे इफेक्ट नहीं डाल रहा ये वाला CH3। तो फिर ये क्या कर रहा है, तो फिर ये यहां पर मतलब CH3 का तो कोई इतना इंपॉर्टेंट रोल है नहीं सर, मतलब क्योंकि कार्बोनाइल कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है ना, इसकी इसकी जो है इलेक्ट्रोफिलिसिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, राइट। तो फिर क्या हो रहा है, फिर यहां पर हम ये देख सकते हैं कि अरे सर यहां पर अगर मैं लीविंग ग्रुप की बात करूं, अगर मैं यहां पर लीविंग ग्रुप की बात करूं बच्चों, तो देखो यहां पर सपोज मैं CH3- से अटैक करा रहा हूं, तो यहां पर अटैक करा और इसने ऐसे इसको लीविंग ग्रुप हटाया, तो फिर बच्चों यहां पर जो हमारे पास बनेगा, यहां पर जो हमारे पास बनेगा है ना, इसके अंदर ये बन गया और साथ में क्या बना, O- this। अच्छा इंटरेस्टिंग, नेक्स्ट केस में बच्चों अगर मैं यही रिएक्शन कराऊं उस केस में मेरे पास क्या बनेगा, ध्यान से देखो, उस केस में मेरे पास बनेगा ये CH3C डबल बॉन्ड CH3, वो तो सेम है पर डिफरेंस आ रहा है यहां पर, ये यही तो डिफरेंस आ रहा पूरी रिएक्शन के अंदर है ना, बिकॉज कार्बोनाइल कार्बन पे CH3 तो कुछ दे नहीं सकता, वो तो वहां पर कोई इफेक्ट डाल नहीं रहा है, वो तो इलेक्ट्रोफिलिसिटी उसकी चेंज कर नहीं रहा है, अल्टीमेटली बात यह रही सर जो लीविंग ग्रुप है यहां पर डिफरेंट हो गए, क्या हो गया यहां पर हमारे पास जो लीविंग ग्रुप जो है वो डिफरेंट हो गए। अगर लीविंग ग्रुप हमारे पास डिफरेंट है, अगर क्या है हमारे पास लीविंग ग्रुप डिफरेंट है, तो फिर हम क्या देखते हैं, लीविंग ग्रुप की स्टेबिलिटी, किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है ये बताइए। तो अगर आपसे मैं पूछूं क्या यहां पर ये बेंजीन है और इस पे ओ माइनस लगा हुआ है, और बच्चों यहां पर हमारे पास ये है साइक्लोहेक्सेन, इस पे ओ माइनस है, तो किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, क्यों, बिकॉज ये बच्चों रेजोनेंस के थ्रू स्टेबिलाइज है, इसके थ्रू स्टेबिलाइज है रेजोनेंस, बात समझ में आ गई। तो किसकी रिएक्टिविटी बच्चों यहां पर ज्यादा होगी, इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी बिकॉज इसका लीविंग ग्रुप ज्यादा स्टेबल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों यहां पर आपसे पूछा जाए कि सर यहां पर रेट ऑफ द रिएक्शन जो है वो किसकी ज्यादा होगी, तो आप सपोज वापस से ले लो सर यहाँ पर CH3- है, अब ये जो CH3 है उससे तो कार्बोनाइल कार्बन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, वो तो ऐसे अटैक करेगा और इसको ऐसे निकालेगा, सिमिलरली CH3- यहाँ पर इसको ऐसे अटैक करेगा और इसको निकालेगा। अब अगर मैं यहाँ पर देखूं, अब अगर मैं यहाँ पर देखूं कि क्या हो रहा है, तो यहाँ पर मैं बोलूंगा सर यहाँ पर ये बन रहा है लिविंग ग्रुप और यहाँ पर क्या बन रहा है, अरे यहाँ पर तो ये बन रहा है, तो किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, बच्चों यहाँ पर हमने बोला कि यार रेजोनेंस तो हो ही सकती है और साथ में NO2 जो है वो क्या है हमारे पास बच्चों, एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप भी है, वो क्या है हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप भी है, ये क्या है एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप भी है, तो ऑब्वियसली ऑब्वियसली किसकी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी बच्चों, जहां पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ, अरे ये तो हमारे पास गलत है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है ना, ये मैंने गलत लिख दिया, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो नेगेटिव चार्ज है बच्चों वो किससे स्टेबिलाईज होगा, जहां पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है उससे ज्यादा स्टेबलाइज होगा, किसकी रेट ऑफ द रिएक्शन ज्यादा होगी बच्चों, यहाँ पर इसकी रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगी, बात बिल्कुल क्लियर है। ये बच्चों आप होमवर्क के फॉर्म में कर सकते हो, यहाँ पर एक और ये आपके पास एग्जाम्पल है ना, इसको बच्चों मैं आपके होमवर्क में दे रहा हूँ, ठीक है, इसके ऊपर सोच के देखना इन तीन में से रेट ऑफ द रिएक्शन किसकी ज्यादा होगी और इसमें से तीन में से रेट ऑफ द रिएक्शन किसकी ज्यादा होगी, ठीक है, ये बात हमारी बिल्कुल समझ में आ गई। चलिए अब मैं आपको बच्चों को जेई का क्वेश्चन देता हूँ, है ना, यहाँ पर रेट ऑफ द रिएक्शन इज फास्टेस्ट, आपसे यही पूछा गया है यहाँ पर कि RC डबल बॉन्ड O Z, ठीक है, यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है ना, ये क्वेश्चन है कि यहाँ पर Z क्या होना चाहिए जिससे रेट ऑफ द रिएक्शन फास्टेस्ट, तो आई थिंक इतना मैंने जो डिस्कशन करा है उसके बेसिस पे तुम्हें समझ में आ गया होगा कि सर अगर मेरे पास जेड जो है वो Cl है तो ये मेरे पास एसाइल हैलाइड है, अगर मेरे पास जेड ये है बच्चों तो ये मेरा एनहाइड्राइड है, ठीक है, ये क्या है एनहाइड्राइड है, राइट, अगर मेरे पास जेड ये है बच्चों तो फिर क्या है मेरे पास एस्टर है और ये मेरे पास क्या है बच्चों अमाइड है, तो आपको पता है इसमें से सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी किसकी होती है बच्चों RCOZCl की, क्यों, बिकॉज इसका कार्बन हाईली इलेक्ट्रोफिलिक होता है और लिविंग ग्रुप क्या होता है ज्यादा स्टेबल होता है,
ये भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो है वो पूछने की कोशिश की गई थी यार, बच्चों को ना कंफ्यूज करने की कोशिश की गई थी तुम्हें, मतलब यार देखो अगर पंडे समझ में पंडे समझ जाओगे ना तो बहुत आसान है यार ये सब, पंडे समझ जाओगे तो बहुत आसान है ठीक है, अदरवाइज यार मुश्किल लगता है। अच्छा ये क्वेश्चन है, सपोज तुम्हारे पास ये क्वेश्चन में पूछा गया था, ऑन मिक्सिंग इथाइल एसिटेट विद एक्वस सोडियम क्लोराइड द कॉम्पोजिशन ऑफ द रिजल्ट सोल्यूशन इज क्या होगा, तो आपसे यहाँ पर ये पूछा गया था बच्चों। ये है आपके पास ठीक है इथाइल एसिटेट, आपको बोला गया कि यहां पर NaCl का सोल्यूशन है ठीक है, आपसे पूछा गया कोई रिएक्शन होगी यहां पर, क्या यहां पर कुछ प्रोडक्ट बनेगा कोई रिएक्शन होगी, तो यहां पर तो कोई रिएक्शन नहीं होगी यार। देखो Cl- माइनस यहां पर गिवन है, मैंने तुम्हें क्या बताया था, मैंने तुम्हें ये बताया कि यार ये रिएक्शन हो सकती है CH3COCl प्लस OHCC, इससे बच्चों क्या मिल सकता है मुझे CH3C डबल बॉन्ड O OCC प्लस Cl माइनस, ये मैंने तुम्हें बताया ना ये रिएक्शन हो सकती है एसाइल हैलाइड पे, एस जो हमारा एल्कोहल होता है वो आराम से बच्चों न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक करके इसको निकाल सकता है और ये बना सकता है, ये मैंने तुम्हें बताया ना, तो अगर ये बनेगा तो फिर उल्टी रिएक्शन तो हो ही नहीं सकती ना ऑब्वियसली, इसका यही मतलब है इसकी उल्टी रिएक्शन नहीं हो पाएगी, बिकॉज सीएल माइनस जो है, सीएल माइनस जो है वो हमारे पास इतना स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल नहीं है कि वो उठा के वापस से अटैक कर दे, है ना, बिकॉज वो अगर अटैक करेगा तो आपके पास लिविंग ग्रुप क्या होगा बच्चों, ये वाला होगा, ये रिएक्शन नहीं हो सकती है ना। तो ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा घुमाने के लिए पूछा गया था कि बच्चे यहाँ पर कुछ करते हैं कि नहीं करते, इसमें कुछ गलती करते हैं कि नहीं करते, तो अल्टीमेटली इसका आंसर यही था कि यहाँ पर कोई रिएक्शन नहीं होगी और आपका जो रिएक्शन मिक्सचर है वो एज इट इज पड़ा रहेगा और आपका ये जो है यहाँ पर यही बनेगा कॉम्पोजिशन, यहाँ पर कोई रिएक्शन जो है वो नहीं होगी बिकॉज मैंने आपको जो कंडीशन बताई है वो सेटिस्फाई नहीं होगी। कंडीशन में क्या होना चाहिए था कि आपका जो अटैकिंग ग्रुप है वो ज्यादा रिएक्टिव होना चाहिए था, है ना, और जो लीविंग ग्रुप है लीविंग ग्रुप की स्टेबिलिटी ज्यादा होनी चाहिए किससे, अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल से। तो बच्चों अगर मैं यहाँ पर लीविंग ग्रुप देखूं तो वो क्या बनेगा हमारे पास CCO माइनस, इसकी स्टेबिलिटी ऑब्वियसली कम है Cl माइनस से, तो ये रिएक्शन यहाँ पर नहीं, बात समझ में आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, सोडियम एथॉक्साइड हैज रिएक्टेड विद इथेनॉल क्लोराइड, ठीक है इथेनॉल क्लोराइड होगा यहाँ पर, कंपाउंड दैट इज प्रोड्यूस्ड इन दी अबोव रिएक्शन, ये बच्चों आपका 2011 का क्वेश्चन है, बिल्कुल आराम से आप कर सकते हो इसको, आपको कोई भी यहां पर प्रॉब्लम नहीं आएगी। यहां पर देखो सोडियम एथॉक्साइड आपको यहां पर गिवन है ठीक है, इसका मतलब ये गिवन है, अब आपसे पूछा जाए सर यहां पर क्या रिएक्शन होगी, बिल्कुल आप बोलोगे सर ये रिएक्शन होगी ठीक है, क्या बन जाएगा यहां पर, ये बन जाएगा ठीक है इथाइल इथेनोएट, ये बन जाएगा, बात समझ में आ रही ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बच्चों जेईई एडवांस 2014 का क्वेश्चन है एंड इसको अगर आप कर सकते हो, है ना, इसको आप कर सकते हो अगर आप ये जो है क्लास ढंग से सुनी है तो आप बिल्कुल इसको कर सकते हो। आपसे बोला गया है यहां पर कि बच्चों ये हमारे पास कंपाउंड है ठीक है और यहां पर एसिटिक एनहाइड्राइड जो है वो डाला गया है, क्या डाला गया है यहां पर एसिटिक एनहाइड्राइड डाला गया है ठीक है, क्या यहां पर कोई रिएक्शन होगी, रिएक्शन होगी तो कौन सी होगी, ये रिएक्शन बच्चों अगर आपको करनी है आप यहां पर क्या देख लो, बस यहां पर कौन कौन से ग्रुप्स लगे हुए, जो ग्रुप्स लगे हुए हैं उसके बेसिस पे आप यहां पर रिएक्शन बता पाओगे। ध्यान से सुनो, यहां पर बच्चों आपके पास अमीन ग्रुप है, आपके पास एक अमाइड ग्रुप है और यहां पर एक एसिड एनहाइड्राइड है। ऑब्वियस ही बात है अगर मैं यहां पर देखूं कि यार सपोज मैं यहां पर SN2TH टाइप की रिएक्शन देखूं तो क्या यहां पर हो सकती है SN2TH टाइप की रिएक्शन, बच्चों यहां पर हो सकती है, क्यों हो सकती है, बिकॉज आपको दिख रहा है यार यहां पर नाइट्रोजन है जिसके ऊपर लोन पेयर होता है, मैंने आपको बता रखा है नाइट्रोजन पे जो लोन पेयर है, एक मेरे पास प्राइमरी नाइट्रोजन सेकेंडरी नाइट्रोजन, ये हमारे गुड न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं कि नहीं होते हैं, ये हमारे गुड न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं, ये न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है। अब यहां पर किस पे अटैक करेगा, ये इस पे अटैक करेगा ठीक है, और इसको ऐसे ओपन कर सकते हैं, क्या यहां पर कोई और रिएक्शन हो सकती है,
या सर यहाँ पर ये वाला जो नाइट्रोजन है उसका अटैक हो सकता है, यार ये अटैक इतना प्रेफर्ड नहीं होगा, ये अटैक नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? बिकॉज मैंने अभी थोड़ी देर पहले तुम्हें बताया था ना अमाइड का नेचर कैसा होता है। अमाइड के अंदर बच्चों ये जो लोन पेयर है वो इस साइड रहता है रेजोनेंस के अंदर, तो जो अमाइड्स है होते हैं हमारे पास उसका जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है वो न्यूक्लियोफिलिक नहीं होता, वो हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक नहीं होता। अगर मैं एक सिंगल नाइट्रोजन लू अमीन, अमीन का जो है वो न्यूक्लियोफिलिक होता है। क्यों? बिकॉज वहां का नाइट्रोजन कहीं इन्वॉल्व नहीं है, वहां का लोन पेयर जो है वो कहीं भी इन्वॉल्व नहीं है, वो डायरेक्टली अटैक कर सकता है। तो बच्चों अगर आप समझ रहे हो कि यार यहाँ पर क्या प्रोडक्ट बनना चाहिए, ठीक है, तो ओवरऑल रिएक्शन के अंदर बच्चों आपके पास क्या प्रोडक्ट बनेगा, ये वाला प्रोडक्ट आपके पास बन जाएगा। ठीक है, ये आपकी रिएक्शन है ना, जेई एडवांस 2014 का क्वेश्चन है ना। यहाँ पर आप सोच सकते थे सर ये अमाइड में पढ़ेंगे, अमीन में पढ़ेंगे, एसिड एनहाइड्राइड में पढ़ेंगे, नहीं, ये रिएक्शन मैकेनिज्म बेस्ड क्वेश्चन है। अगर आपको यहाँ पर बच्चों रिएक्शन मैकेनिज्म दिख रहा है कि सर यहाँ पर नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, ये न्यूक्लियोफिलिक है, यहाँ पर ये वाला जो कार्बन है वो इलेक्ट्रोफिलिक है, यहाँ पर ये वाला जो कार्बन है वो इलेक्ट्रोफिलिक है, या फिर ये वाला कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक है, तो अल्टीमेटली आप यहाँ पर क्या कराते, इलेक्ट्रोफिलिक न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन कराते। आप ये देखते कि यार कौन सा जो है इलेक्ट्रोफाइल है कौन सा न्यूक्लियोफाइल है, उसको रिएक्ट कराते, आराम से आपके पास रिएक्शन यहाँ पर हो जाती। ये आपका बच्चों एडवांस का क्वेश्चन मैंने यहाँ पर आपका करा दिया बिल्कुल प्यार से। अगर आपने मैकेनिज्म समझ लिया है बिल्कुल प्यार से आप एडवांस का क्वेश्चन भी यहाँ पर कर सकते हो। अगेन मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर ध्यान से देख लो, ये रिएक्शन आपको कहीं भी एनसीईआरटी वगैरह में लिखी हुई नहीं मिलेगी। ध्यान से सुन लो मेरी बात, ये रिएक्शन आपको एनसीईआरटी में कहीं भी लिखी हुई नहीं मिलेगी। आपको एडवांस के अंदर बच्चों जो है कोई भी नोन रिएक्शन नहीं दी जाती, आपको हमेशा क्या दी जाती है, कोई भी अननोन रिएक्शन दी जाती है जो आपने पहले नहीं देखी हो, बट आप उसको बहुत आराम से अटेम्प्ट कर सकते हो अगर आपके रिएक्शन मैकेनिज्म के फंडे क्लियर है। तो रिएक्शन मैकेनिज्म का फंडा क्या है, पहला रिएक्शन का मैकेनिज्म का फंडा, कैसी रिएक्शन हो रही है यहाँ पर, एडिशन सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन। आपने देखा सर यहाँ पर तो क्या है इलेक्ट्रोफाइल्स न्यूक्लियोफाइल्स प्रेजेंट हैं और बहुत बढ़िया से हमारे पास जो है एसिड डेरिवेटिव्स प्रेजेंट हैं, तो आपके दिमाग में आएगा अरे सर यहाँ पर तो मैं कौन सा मैकेनिज्म लगा सकता हूँ, SN2TH मैकेनिज्म लगा सकता हूँ। इलेक्ट्रोफाइल्स है, न्यूक्लियोफाइल्स है, इलेक्ट्रोफाइल्स कौन से हैं, एसिड डेरिवेटिव वाले हैं, एसिड एनहाइड्राइड है, अमाइड है, बहुत बढ़िया, एसिड एनहाइड्राइड पे आराम से रिएक्शन जो है वो न्यूक्लियोफाइल कर सकता है। मैकेनिज्म आपने देखा, रिएक्शन आपने नहीं देखी, आपने ये रिएक्शन हो सकता है एडवांस की रिएक्शन आपने कहीं नहीं देखी हो, आपने क्या देखा मैकेनिज्म देखा। और इसी तरीके से बच्चों रिएक्शन करानी होती है, आपने न्यूक्लियोफाइल आइडेंटिफाई करा, इलेक्ट्रोफाइल अटेंड करा, आपने SN2TH मैकेनिज्म यहाँ पर करा डाला, तो वेरी गुड बच्चों, अगर आपको समझ में आ गया है तो ठीक है। इसी तरीके से बच्चों एक फिशर एस्टरिफिकेशन रिएक्शन होती है जो कि SN2TH मैकेनिज्म के थ्रू ही होती है ना, SN2TH मैकेनिज्म के थ्रू होती है। हम इसको जब एस्टर्स पढ़ेंगे तब और इसको डिस्कस कर लेंगे, तब इसके अंदर हम एक चीज डिस्कस करेंगे बच्चों कि यार किस तरीके से कार्बोक्सिलिक एसिड SN2TH मैकेनिज्म के थ्रू एस्टर देता है। ठीक है, या तो मैं इसको नेक्स्ट जो है क्लास उसके अंदर कवर कर लूंगा, आज जो है हमारे पास टाइम जो है वो ज्यादा हो गया है, तो इसको बिल्कुल मैं बच्चों नेक्स्ट क्लास के अंदर कवर करने की कोशिश करता हूँ। और इसके अंदर हमारे पास थोड़े बहुत रिएक्शन और बचे हैं उसको भी मैं कवर करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, बिल्कुल हमारे पास ये जो है नेक्स्ट क्लास में हम कवर करेंगे। और बच्चों अगर आपने जो है यहाँ पर पहली बार क्लास अटेंड करी है और आपको यहाँ पर अनअकैडमी के फीचर्स नहीं पता, यार अनअकैडमी इज अ वेरी अमेजिंग प्लेटफॉर्म जिसपे आपको बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन इंडिया की मिल रही है, तो बच्चों मैं आपको बता देता हूँ अनअकैडमी जो है, अनअकैडमी का प्लेटफॉर्म जो अनअकैडमी.com है, अनअकैडमी की लर्निंग ऐप, उस पर स्पेशल क्लासेस जो है कंडक्ट की जाती है एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर यू। ठीक है, जिस तरह से यूट्यूब पे आपकी क्लास चल रही है, और बच्चों जैसे आज 10 बजे भी मैं क्लास लूंगा एल्काइन प्रिपरेशन के अंदर, हाइड्रोकार्बन जो अटेंड करना चाहते हैं वो अटेंड कर सकते हैं। और बच्चों ये जो आपकी क्लासेस हैं आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट इसको अटेंड करो, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आप यहाँ पर अपने एजुकेटर से इंटरेक्ट भी कर सकते हो, ये आपका फायदा रहता है। जैसे यहाँ पर यूट्यूब पे इतना इंटरेक्शन नहीं हो पाता, बट स्पेशल क्लासेस के अंदर आप आराम से बच्चों इंटरेक्ट कर सकते हो अपने एजुकेटर्स के साथ। ये बच्चों हमारे पास नॉर्मल यूट्यूब की टाइमिंग्स है, इस पे अलार्म लगा लो यार अपने, अभी तक तुमने नहीं लगाया तो, कि अनअकैडमी जेई पे रेगुलरली लाइव आके लेक्चर देखने हैं इन टाइमिंग्स के ऊपर, ये टाइमिंग्स है आपके, इस पे रेगुलरली आप बच्चों यहाँ पर क्लासेस जब अटेंड करोगे आपकी सिंसेरिटी भी बढ़ेगी, आपकी पंक्चुअलिटी भी बढ़ेगी, और बिल्कुल आपको सर्टेनली हेल्प करेगा। और एक और चीज देख लो बच्चों, अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन अगर आप लेना चाहते हो, एंड इफ यू आर फॉलोइंग इन लव विद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री विद अनुपम सर, तो अनुपम लाइव कोड जो है उसको याद कर लो, अनुपम लाइव कोड जरूर यूज करना। जितना बच्चों मैं आपको यहाँ पर प्यार करवा पाता हूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से उतना मैं करवा रहा हूँ, और ये प्यार जो है अगर आप रिफ्लेक्ट करना चाहते हो वाइल टेकिंग ये अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन, तो अनुपम लाइव कोड जो है उसको मत भूलना। अनुपम लाइव कोड जो है वो ऐसा कोड है जिसको आप यूज करोगे, मुझे प्राउड फील होता है कि यार स्टूडेंट्स को यूज कर रहे हैं,
साथ में बच्चों उससे आपको जो है 10% डिस्काउंट भी मिलता है ऑन द अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन। बच्चों अभी तक आपको प्लस सब्सक्रिप्शन के बारे में नहीं पता तो मैं बता देता हूं जल्दी से। लाइव क्लासेस आपको मिलती हैं अपने एजुकेटर्स के साथ, इंडिया के जो टॉप एजुकेटर्स हैं, अनअकैडमी की जो टीम है उनके साथ लाइव क्लासेस आप अटेंड कर सकते हो, जिसमें बच्चों आप फेस टू फेस अपने एजुकेटर्स को देखते हो, फेस टू फेस इन द सेंस आप उनका फेस देखते हो और आप उनसे चैट के थ्रू इंटरैक्ट कर पाते हो। आपको क्या मिलता है बच्चों, वहां पर फेस टाइम मिलता है अपने एजुकेटर्स का, आप अपने एजुकेटर्स के साथ इंटरैक्ट कर पाते हो, अपने टीचर्स के साथ चैट के थ्रू इंटरैक्ट कर पाते हो। वो आपको मिलता है बच्चों अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन प्लेटफॉर्म पे। अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन प्लेटफॉर्म पे बच्चों यू कैन इंटरैक्ट विद योर एजुकेटर्स, यू हैव लाइव पोल्स एंड लीडरबोर्ड्स। इन लाइव पोल्स लीडरबोर्ड से बच्चों आपकी कॉम्पिटेटिव स्पिरिट इंक्रीज होती है। टेस्ट सीरीज एनालिसिस बच्चों आप जितना ज्यादा करते हो उतना ज्यादा जो है आपका रैंक लाने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। एंड अलॉन्ग विद दैट बच्चों एक और चीज देख लो, लाइव डाउट क्लियरिंग सेशंस ये हम अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे करवाते हैं, जिससे आपके कंसेप्ट बच्चों क्लियर होते जाते हैं। इनसे आपके कंसेप्ट जितने ज्यादा क्लियर होंगे उतना ज्यादा है जो अच्छा आपका रैंक लाने की प्रोबेबिलिटी बढ़ती है। बच्चों अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन पे इंडिया के टॉप एजुकेटर्स आपके पढ़ा रहे हैं, बैचेस फॉर्म में पढ़ा रहे हैं। देयर आर 100 प्लस एजुकेटर्स विच आर टेकिंग 50 प्लस बैचेस। नए नए बैचेस भी बच्चों यहाँ पर लॉन्च होते रहते हैं, ऐसा नहीं है कि बस एक बार बैच बन गया वो खत्म हो गया। यहाँ पर नए नए बैचेस जो है बच्चों वो लॉन्च होते रहते हैं और इन बैचेस के अंदर आपके पास कंप्लीट फ्रीडम है, आप जिन बैच को अटेंड करना चाहो बच्चों उन बैच को अटेंड कर सकते हो। आप अनअकैडमी जेई टीम का कर सकते हो, आप कोटा की टॉप फैकल्टीज का कर सकते हो, आप इंडिया के टॉप ऑथर्स का कर सकते हो जो कि जेई के लिए बुक्स लिखते हैं, जिन्होंने जेई के लिए बहुत सारी बुक्स लिखते हैं, आप उनके जो क्लासेस हैं बच्चों वो अटेंड कर सकते हो, ठीक है। और ये हमारे पास जो क्लासेस होती हैं इसके अंदर आप इंटरैक्ट भी कर सकते हो। ये देखो यहाँ पर जैसे बंसल क्लासेस की टॉप फैकल्टीज हैं, मतलब इनका 15 से 20 साल का एक्सपीरियंस है बच्चों, ठीक है। यही वो लोग हैं जिन्होंने बंसल क्लासेस का जो रेवोल्यूशन है वो कोटा में स्टार्ट करा था, इनसे पढ़ने का मौका आपको मिल रहा है। तो बच्चों अगर आपको नहीं पता अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन कैसे लेना है, मैं आपको जल्दी से स्टेप्स बता देता हूँ। अनअकैडमी की लर्निंग ऐप जो है बच्चों उसको इंस्टॉल कर लो, है ना, अनअकैडमी की लर्निंग ऐप, या फिर अनअकैडमी.com पे चले जाओ। एंड देन यू हैव टू गो टू द प्लस सेक्शन, देन यू हैव टू गो टू द ITJEE सेक्शन, और फिर आपको बच्चों जाना है गेट सब्सक्रिप्शन लिंक के ऊपर। यहाँ पर सब्सक्रिप्शन का बच्चों यही मतलब होता है कि ये जो है एक ऐसा नेटफ्लिक्स टाइप अरेंजमेंट है जिसके अंदर जब आप किसी पर्टिकुलर टाइम का जो है वो सब्सक्रिप्शन लेते हो तो उस टाइम के लिए बच्चों आपको कंप्लीट फ्रीडम होता है, कंप्लीट फ्रीडम होता है अपना जितने भी लाइव क्लासेस आप देखना चाहते हो ITJEE के लिए, ITJEE के 100 प्लस एजुकेटर्स की जितनी लाइव क्लासेस आप देखना चाहते हो, जितने रिकॉर्डेड लेक्चर्स आप देखना चाहते हो वो सब देख सकते हो, ठीक है। तो ये बहुत ही अमेजिंग प्लेटफॉर्म है बच्चों, जिसका एक साल का फीस आप देखोगे बच्चों वो 3200 पर मंथ पड़ रहा है और दो साल का जो है वो 2300 पर मंथ आपके पास फीस पड़ रही है। तो बच्चों फीस अगर देखा जाए बहुत ही नॉमिनल सी फीस है, जितना आपको यहाँ पर अमेजिंग फैकल्टीज टीचर्स से पढ़ने का मौका मिल रहा है, आपके जितने यहाँ पर अमेजिंग तरह के फैसिलिटीज आपको मिल रही है उसकी कंपैरिजन बहुत ही नॉमिनल सी फीस। और ये फीस बच्चों और फर्दर कम हो जाती है अगर आप अनुपम लाइव कोड यहाँ पर यूज करते हो। मतलब गाइज अगर आपको जो है बिल्कुल प्यार हो गया है केमिस्ट्री से यहाँ पर पढ़ते हुए मुझसे, ठीक है, अनुपम सर से पढ़ते हुए आपको प्यार हो रहा है केमिस्ट्री से, आपको जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से प्यार हो रहा है, फिजिकल केमिस्ट्री से प्यार हो रहा है, तो यार ये जो प्यार है ये प्यार जो है अपना दिखाना वाइल टेकिंग दी अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन अनुपम लाइव कोड यूज करके। अनुपम लाइव कोड बच्चों आप जितना यूज करोगे उतना ज्यादा मुझे प्राउड फील होता है, आई फील प्राउड अबाउट इट, है ना, आई फील प्राउड अबाउट इट। क्या तुम जो है इस कंटेंट को जो मैं यहाँ पर इतनी मेहनत से बनाता हूँ वो तुम्हें पसंद आ रहा है। साथ में बच्चों आप जब इसको यूज करते हो तो आपको यहाँ पर एक मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट मिल जाता है अपने सब्सक्रिप्शन कॉस्ट पे, है ना, मैक्सिमम डिस्काउंट जो है यहाँ पर मिल जाता है अपनी कॉस्ट के ऊपर, मतलब जो ऑलरेडी थी लो कॉस्ट है उसके ऊपर फर्दर आपको डिस्काउंट मिल रहा है। और इसके बाद बच्चों जो आपकी कॉस्ट है वो आपकी यहाँ पर ये निकल के आ रही है, ये आपकी कॉस्ट निकल के आती है यहाँ पर, ओके। तो ये जो कॉस्ट है बच्चों आप मंथली इंस्टॉलमेंट के फॉर्म में भी पे कर सकते हो, या आप जो है बच्चों मंथली इंस्टॉलमेंट के फॉर्म में पे कर सकते हो, इसमें कोई भी इशू, ठीक है। तो मंथली इंस्टॉलमेंट के फॉर्म में पे कर देना, अगर चाहो तो एक साथ भी कर सकते हो, बहुत ही नॉर्मल सी फीस है, इतनी दिक्कत नहीं आएगी। तो बच्चों अगर अभी तक अपने ये YouTube को सब्सक्राइब नहीं करा है तो बिल्कुल इसको सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन बेल दबा दो। हमारे जितने भी अनअकैडमी के चैनल्स हैं, अनअकैडमी जेई नीट कैट, ठीक है, इनका फायदा तुम भी उठा सकते हो, अपने दोस्तों को भी बता सकते हो कि सर ये जो है हमारे इतने सारे फ्रेंड्स जो है अनअकैडमी जो है उसका फायदा उठा रहे हैं, बिकॉज ये फ्री चैनल्स है बच्चों, ये अल्टीमेटली पूरे के पूरे फ्री चैनल्स हैं जिसपे बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन आपको मिल रही है ना। एंड हमें बहुत प्राउड फील होता है जब आप स्टूडेंट्स को हम
एजुकेट कर पाते हैं और बहुत बढ़िया से, मतलब जो जो चीजें हम यहाँ पर बता रहे हैं जिस तरीके से बता रहे हैं बच्चों, अगर आप देखेंगे आपको जो है नॉर्मल कहीं भी इस तरीके से इतनी बढ़िया तरीके से यहाँ पर ये चीजें नहीं बताई जाती है ना। और यहाँ पर हम अपना बेस्ट एफर्ट मारते हैं, हम ये नहीं बोल रहे कि अभी बेस्ट हो गए, हम तो पता है यहाँ पर और इम्प्रूव करते रहते हैं, खुद को और इम्प्रूव करते रहते हैं ताकि आपको और बेस्ट तरीके से पढ़ा पाए। ठीक है बच्चों, चलिए बाय एवरीवन।